गुड इवनिंग, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। गायब कहाँ हुई है? सबको सब पता है। जाने कैसी है पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्ना। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्ना कन्नड़ और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन संतोष आनंद राम ने किया। अब आइए रिव्यू में जाने की डिसेंट बस के तहत तेलुगु में रिलीज हुई इस मास एंटरटेनर फिल्म ने दर्शकों को कितना प्रभावित किया। कहानी में आगे बढ़ते हुए एक लड़की जो गुरुदेव देशमुख के कॉलेज में एक गरीब प्रतिभाशाली छात्रा है गलती से आत्महत्या कर लेती है। इसके साथ ही गुरुदेव भ्रष्ट शिक्षा मंत्री से लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में अर्जुन प्रकाश राज के साथ खड़े होते हैं। और ऐसे खड़े अर्जुन से उनका क्या रिश्ता है? क्या अर्जुन इस लड़ाई में सफल होगा? उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ेगी? उन्हें जाने का बैकग्राउंड से जुड़ी कोई बात है या नहीं, इसलिए उन्हें ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म में बहुत सारी कमियां और अतार्किक तत्व है। ऐसा लगता है कि पूरी कहानी एक ही हीरो की भूमिका पर केंद्रित है। इसके अलावा एक और बड़ी कमी ये है कि नायिका सायशा और पुनीत के बीच अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें योगदान देने वाले दृश्य अच्छे नहीं है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है और अनावश्यक दृश्यों को जोड़ना जो विषय के लिए जरूरी नहीं है एक और उबायू पहलू है। क्लाइमैक्स भी ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। एक और आश्चर्य की बात यह है कि थमन का बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। इसका मतलब है कि बहुत ही अधिक ध्वनि के साथ ये खत्म हो जाता है। ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए तकनीकी श्रेणी में पहली फिल्म है। KGF जैसी ठोस फिल्म देने वाले होमले ने इस फिल्म को उच्च उत्पादन मूल्य भी दिए है। थमन का संगीत कुल मिलाकर इस फिल्म के लिए ठीक है। वेंकटेश अनुराग की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, लेकिन अगर ज्ञानेश मैट का संपादन कार्य बेहतर होता तो सभी अनावश्यक दृश्य कुछ धीमी गति वाले शॉर्ट्स और दूसरे भाग के कुछ दृश्य काट दिए गए होते। जब निर्देशक संतोष की बात आती है तो सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म एक शुद्ध जनरल मनोरंजन होगी, लेकिन उन्होंने जनता के साथ साथ एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने जो मूल पंक्ति लिखी है वो अच्छी है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे जन तत्व के साथ ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सके। यदि उन्होंने इस व्यवसाय कोण को दूसरे संस्करण में प्रस्तुत किया होता तो आउटपुट अलग हो सकता था।
कुल मिलाकर मुख्य किरदार पुनीत ने इस युवरत्न में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उन्होंने हर चीज में अच्छा आउटपुट दिया जिसमें उनका फुल मास एंगल के साथ साथ एडावर डांस भी शामिल है। साथ ही कई जनतत्व भी अच्छे है, लेकिन ये इस मूवी लाइन के लिए निर्देशक द्वारा की गई संदेश प्रस्तुति के लिए इतने सुविधाजनक नहीं लगते हैं। जो लोग इन तर्कों से हटकर सामूहिक तत्व चाहते हैं, ये इस फिल्म को एक बार आजमा सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। युवरत्न साउथ की एक ऐसी फिल्म जो स्टूडेंट्स में जोश भर देगा। जाने फिल्म की कहानी, साथ ही जाने फिल्म को फ्री में देखने का तरीका। अर्जुन सातवें सेमेस्टर में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में राष्ट्रकूट विश्वविद्यालय में शामिल होता है। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज खतरे में है। निजी संस्थान इस कॉलेज और अवैध छात्रों की छवि को खराब करने के लिए क्या कर रहे हैं। कॉलेज ज्वाइन करते ही अर्जुन कई लोगों से भिड़ जाता है और ऐसा लगता है जैसा कि वो किसी मिशन पर है, लेकिन ये है कौन। राजकुमार की टीम ने एक बार फिर सुनिश्चित किया कि युवरत्न पर बहुत उम्मीद है। कहानी जो एक कॉलेज परिसर में स्थापित है, बहुत सारे प्रासंगिक मुद्दों पर स्पॉटलाइट डालने की कोशिश करती है, जैसे निजी संस्थान, शिक्षा, भ्रष्टाचार और यहां तक कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के रूप में पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में बहुत सारे संवादों के साथ जनतत्वों का मिश्रण है जो धार्मिकता का उपदेश देने की कोशिश करते हैं। क्या ये मिश्रण काम करता है? काफी हद तक करता है। युवरत्न की शुरुआत एक मेधावी छात्र की आत्महत्या से होती है, जो पैसे की भूखे व्यापारियों और उसके प्रिंसिपल की दुर्भावना का शिकार होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ये सुख लड़ाई उस बड़े खतरे का प्रतीक है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों पर छाया डालने की कोशिश कर रहे निजी कॉलेजों पर मंडरा रहा है। इस परिदृश्य के बीच में अर्जुन आता है, जो कोर्स के बीच में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में शामिल हो जाता है। वो कौन है? उसका मिशन क्या है? अर्जुन को इस आंदोलन से क्या जोड़ता है? युवरत्न प्रशंसकों का मनोरंजन करता है और इसमें एक्शन, भावनाओं, कॉमेडी और यहाँ तक कि रोमांस की भी भरपूर खुराक है, जबकि ये ठीक काम करता है। इसके सीजनिंग पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जा सकता था ताकि ये एकदम सही उभर सके। पर्याप्त पात्र है उनमें से अधिकांश के पास करने के लिए कुछ न कुछ है। हालांकि कोई चाहता है कि प्रमुख कलाकारों में से एक या दो की कुछ और भूमिकाएं हो। पावर स्टार के प्रशंसकों के लिए ये एक ट्रीट है, क्योंकि ये एक पुनीत राजकुमार शो है। वो अपने मुस्कान के साथ लड़ाई, नृत्य, मुंह की मजबूत रेखाएं और आकर्षण प्राप्त करता है और वो ये सब सहजता से करता है। प्रकाश राज की दूसरी सबसे प्रमुख भूमिका है और वो अपेक्षा के अनुरूप खड़ा है। धनंजय और सही कुमार की मनोरंजन करते हैं, जैसा कि दिगंत मंचले करते हैं। कलाकारों की टुकड़ी में बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, चाहे वो सोनू गोरा हो, सुधरानी, विशाल हेगड़े, अच्युत कुमार या प्रकाश बोयलावाड़ी हो, या ये सभी अपने सीमित साधनों के भीतर काम करते हैं। युवरत्न राजकुमारा की तरह मानवीय मूल्य के बारे में एक कहानी है। हालांकि इस बार पृष्ठभूमि एक कॉलेज परिसर की है। उन लोगों के लिए जो अपने मसाला मनोरंजक पसंद करते हैं, ये निराश नहीं करेगा। फिल्म आपको शिक्षा प्रणाली के खिलाफ कुछ नाटकों की याद दिलाती है, खासकर तमिल सिनेमा में, लेकिन युवरत्न का अभी भी अपना आकर्षण है। और अगर आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। जाने कैसी है पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्न। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्न कन्नड़ और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन संतोष आनंद राम ने किया। अब आइए रिव्यू में जाने की डिसेंट बस के तहत तेलुगु में रिलीज हुई इस मास एंटरटेनर फिल्म ने दर्शकों को कितना प्रभावित किया। कहानी में आगे बढ़ते हुए एक लड़की जो गुरुदेव देशमुख के कॉलेज में एक गरीब प्रतिभाशाली छात्रा है, गलती से आत्महत्या कर लेती है। इसके साथ ही गुरुदेव भ्रष्ट शिक्षा मंत्री से लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में अर्जुन प्रकाश राज के साथ खड़े होते हैं।
और ऐसे खड़े अर्जुन से उनका क्या रिश्ता है? क्या अर्जुन इस लड़ाई में सफल होगा? उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ेगी? उन्हें जॉनी का बैकग्राउंड से जुड़ी कोई बात है या नहीं, इसलिए उन्हें ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म में बहुत सारी कमियां और अतार्किक तत्व है। ऐसा लगता है कि पूरी कहानी एक ही हीरो की भूमिका पर केंद्रित है। इसके अलावा एक और बड़ी कमी ये है कि नायिका सायशा और पुनीत के बीच अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें योगदान देने वाले दृश्य अच्छे नहीं है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है और अनावश्यक दृश्य को जोड़ना जो विषय के लिए जरूरी नहीं है एक और उबायू पहलू है। क्लाइमैक्स भी ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। एक और आश्चर्य की बात यह है कि थमन का बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। इसका मतलब है कि बहुत ही अधिक ध्वनि के साथ ये खत्म हो जाता है। ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए तकनीकी श्रेणी में पहली फिल्म है। KGF जैसी ठोस फिल्म देने वाले होमले ने इस फिल्म को उच्च उत्पादन मूल्य भी दिए है। थमन का संगीत कुल मिलाकर इस फिल्म के लिए ठीक है। वेंकटेश अनुराग की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, लेकिन अगर ज्ञानेश मैट का संपादन कार्य बेहतर होता तो सभी अनावश्यक दृश्य कुछ धीमी गति वाले शॉर्ट्स और दूसरे भाग के कुछ दृश्य काट दिए गए होते। जब निर्देशक संतोष की बात आती है तो सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म एक शुद्ध जनरल मनोरंजन होगी, लेकिन उन्होंने जनता के साथ साथ एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने जो मूल पंक्ति लिखी है वो अच्छी है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे जाना तत्व के साथ ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सके। यदि उन्होंने इस व्यवसाय कोण को दूसरे संस्करण में प्रस्तुत किया होता तो आउटपुट अलग हो सकता था। कुल मिलाकर मुख्य किरदार पुनीत ने इस युवरत्न में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उन्होंने हर चीज में अच्छा आउटपुट दिया, जिसमें उनका फुल मास एंगल के साथ साथ एडावर डांस भी शामिल है। साथ ही कई जनतत्व भी अच्छे है, लेकिन ये इस मूवी लाइन के लिए निर्देशक द्वारा की गई संदेश प्रस्तुति के लिए इतने सुविधाजनक नहीं लगते हैं। जो लोग इन तर्कों से हटकर सामूहिक तत्व चाहते हैं, ये इस फिल्म को एक बार आजमा सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। युवरत्न साउथ की एक ऐसी फिल्म जो स्टूडेंट्स में जोश भर देगा। जाने फिल्म की कहानी, साथ ही जाने फिल्म को फ्री में देखने का तरीका। अर्जुन सातवें सेमेस्टर में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में राष्ट्रकूट विश्वविद्यालय में शामिल होता है। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज खतरे में है। निजी संस्थान इस कॉलेज और अवैध छात्रों की छवि को खराब करने के लिए क्या कर रहे हैं? कॉलेज ज्वाइन करते ही अर्जुन कई लोगों से भिड़ जाता है और ऐसा लगता है जैसा कि वो किसी मिशन पर है, लेकिन ये है कौन? राजकुमार की टीम ने एक बार फिर सुनिश्चित किया कि युवरत्न पर बहुत उम्मीद है। कहानी जो एक कॉलेज परिसर में स्थापित है, बहुत सारे प्रासंगिक मुद्दों पर स्पॉटलाइट डालने की कोशिश करती है, जैसे निजी संस्थान, शिक्षा, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के रूप में पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में बहुत सारे संवादों के साथ जन तत्वों का मिश्रण है जो धार्मिकता का उपदेश देने की कोशिश करते हैं। क्या ये मिश्रण काम करता है? काफी हद तक करता है। युवरत्न की शुरुआत एक मेधावी छात्र की आत्महत्या से होती है, जो पैसे की भूख के व्यापारियों और उसके प्रिंसिपल की दुर्भावना का शिकार होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ये सुख लड़ाई उस बड़े खतरे का प्रतीक है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों पर छाया डालने की कोशिश कर रहे निजी कॉलेजों पर मंडरा रहा है। इस परिदृश्य के बीच में अर्जुन आता है, जो कोर्स के बीच में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में शामिल हो जाता है। वो कौन है? उसका मिशन क्या है? अर्जुन को इस आंदोलन से क्या जोड़ता है? युवरत्न प्रशंसकों का मनोरंजन करता है और इसमें एक्शन, भावनाओं, कॉमेडी और यहाँ तक कि रोमांस की भी भरपूर खुराक है, जबकि ये ठीक काम करता है। इसके सीजनिंग पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जा सकता था ताकि ये एकदम सही उभर सके। पर्याप्त पात्र है उनमें से अधिकांश के पास करने के लिए कुछ न कुछ है। हालांकि कोई चाहता है कि प्रमुख कलाकारों में से एक या दो की कुछ और भूमिकाएं हो। पावर स्टार के प्रशंसकों के लिए ये एक ट्रीट है, क्योंकि ये एक पुनीत राजकुमार शो है। वो अपने मुस्कान के साथ लड़ाई, नृत्य, मुंह की
मजबूत रेखाएं और आकर्षण प्राप्त करता है और वो ये सब सहजता से करता है। प्रकाश राज की दूसरी सबसे प्रमुख भूमिका है और वो अपेक्षा के अनुरूप खड़ा है। धनंजय और सही कुमार की मनोरंजन करते हैं, जैसा कि दिगंत मंचले करते हैं। कलाकारों की टुकड़ी में बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, चाहे वो सोनू गोरा हो, सुधरानी, विशाल हेगड़े, अच्युत कुमार या प्रकाश बोयलावाड़ी हो, या ये सभी अपने सीमित साधनों के भीतर काम करते हैं। युवरत्न राजकुमारा की तरह मानवीय मूल्य के बारे में एक कहानी है। हालांकि इस बार पृष्ठभूमि एक कॉलेज परिसर की है। उन लोगों के लिए जो अपने मसाला मनोरंजक पसंद करते हैं, ये निराश नहीं करेगा। फिल्म आपको शिक्षा प्रणाली के खिलाफ कुछ नाटकों की याद दिलाती है, खासकर तमिल सिनेमा में। लेकिन युवरत्न का अभी भी अपना आकर्षण है और अगर आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। जाने कैसी है पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्न। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्न कन्नड़ और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन संतोष आनंद राम ने किया। अब आइए रिव्यू में जाने की डिसेंट बस के तहत तेलुगु में रिलीज हुई इस मास एंटरटेनर फिल्म ने दर्शकों को कितना प्रभावित किया। कहानी में आगे बढ़ते हुए एक लड़की जो गुरुदेव देशमुख के कॉलेज में एक गरीब प्रतिभाशाली छात्रा है, गलती से आत्महत्या कर लेती है। इसके साथ ही गुरुदेव भ्रष्ट शिक्षा मंत्री से लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में अर्जुन प्रकाश राज के साथ खड़े होते हैं। और ऐसे खड़े अर्जुन से उनका क्या रिश्ता है, क्या अर्जुन इस लड़ाई में सफल होगा, उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ेगी, उन्हें जाने का बैकग्राउंड से जुड़ी कोई बात है या नहीं, इसलिए उन्हें ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म में बहुत सारी कमियां और अतार्किक तत्व है। ऐसा लगता है कि पूरी कहानी एक ही हीरो की भूमिका पर केंद्रित है। इसके अलावा एक और बड़ी कमी ये है कि नायिका सायशा और पुनीत के बीच अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें योगदान देने वाले दृश्य अच्छे नहीं है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है और अनावश्यक दृश्यों को जोड़ना जो विषय के लिए जरूरी नहीं है एक और उबायू पहलू है। क्लाइमैक्स भी ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। एक और आश्चर्य की बात यह है कि थमन का बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। इसका मतलब है कि बहुत ही अधिक ध्वनि के साथ ये खत्म हो जाता है। ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए तकनीकी श्रेणी में पहली फिल्म है। KGF जैसी ठोस फिल्म देने वाले होमले ने इस फिल्म को उच्च उत्पादन मूल्य भी दिए है। थमन का संगीत कुल मिलाकर इस फिल्म के लिए ठीक है। वेंकटेश अनुराग की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, लेकिन अगर ज्ञानेश मैट का संपादन कार्य बेहतर होता तो सभी अनावश्यक दृश्य कुछ धीमी गति वाले शॉर्ट्स और दूसरे भाग के कुछ दृश्य काट दिए गए होते। जब निर्देशक संतोष की बात आती है तो सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म एक शुद्ध जनरल मनोरंजन होगी, लेकिन उन्होंने जनता के साथ साथ एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने जो मूल पंक्ति लिखी है वो अच्छी है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे जन तत्व के साथ ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सके। यदि उन्होंने इस व्यवसाय कोण को दूसरे संस्करण में प्रस्तुत किया होता तो आउटपुट अलग हो सकता था। कुल मिलाकर मुख्य किरदार पुनीत ने इस युवरत्न में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उन्होंने हर चीज में अच्छा आउटपुट दिया, जिसमें उनका फुल मास एंगल के साथ साथ एडवर डांस भी शामिल है। साथ ही कई जनतत्व भी अच्छे है, लेकिन ये इस मूवी लाइन के लिए निर्देशक द्वारा की गई संदेश प्रस्तुति के लिए इतने सुविधाजनक नहीं लगते है। जो लोग इन तर्कों से हटकर सामूहिक तत्व चाहते हैं, ये इस फिल्म को एक बार आजमा सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। युवरत्न साउथ की एक ऐसी फिल्म जो स्टूडेंट्स में जोश भर देगा। जाने फिल्म की कहानी, साथ ही जाने फिल्म को फ्री में देखने का तरीका। अर्जुन सातवें सेमेस्टर में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में राष्ट्रकूट विश्वविद्यालय में शामिल होता है। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज खतरे में है। निजी संस्थान इस कॉलेज और अवैध छात्रों की छवि को खराब करने के लिए क्या कर रहे हैं। कॉलेज ज्वाइन करते ही अर्जुन कई लोगों से भिड़ जाता है और ऐसा लगता है जैसा कि वो किसी मिशन पर है, लेकिन ये है कौन।
राजकुमार की टीम ने एक बार फिर सुनिश्चित किया कि युवरत्ना पर बहुत उम्मीद है। कहानी जो एक कॉलेज परिसर में स्थापित है बहुत सारे प्रासंगिक मुद्दों पर स्पॉटलाइट डालने की कोशिश करती है, जैसे निजी संस्थान, शिक्षा, भ्रष्टाचार और यहां तक कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के रूप में पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में बहुत सारे संवादों के साथ जन तत्वों का मिश्रण है जो धार्मिकता का उपदेश देने की कोशिश करते हैं। क्या ये मिश्रण काम करता है? काफी हद तक करता है। युवरत्ना की शुरुआत एक मेधावी छात्रा की आत्महत्या से होती है जो पैसे की भूख के व्यापारियों और उसके प्रिंसिपल की दुर्भावना का शिकार होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ये सुख लड़ाई उस बड़े खतरे का प्रतीक है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों पर छाया डालने की कोशिश कर रहे निजी कॉलेजों पर मंडरा रहा है। इस परिदृश्य के बीच में अर्जुन आता है जो कोर्स के बीच में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में शामिल हो जाता है। वो कौन है? उसका मिशन क्या है? अर्जुन को इस आंदोलन से क्या जोड़ता है? युवरत्ना प्रशंसकों का मनोरंजन करता है और इसमें एक्शन, भावनाओं, कॉमेडी और यहाँ तक कि रोमांस की भी भरपूर खुराक है, जबकि ये ठीक काम करता है। इसके सीजनिंग पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जा सकता था ताकि ये एकदम सही उभर सके। पर्याप्त पात्र है उनमें से अधिकांश के पास करने के लिए कुछ न कुछ है। हालांकि कोई चाहता है कि प्रमुख कलाकारों में से एक या दो की कुछ और भूमिकाएं हो। पावर स्टार के प्रशंसकों के लिए ये एक ट्रीट है क्योंकि ये एक पुनीत राजकुमार शो है। वो अपने मुस्कान के साथ लड़ाई, नृत्य, मुंह की मजबूत रेखाएं और आकर्षण प्राप्त करता है और वो ये सब सहजता से करता है। प्रकाश राज की दूसरी सबसे प्रमुख भूमिका है और वो अपेक्षा के अनुरूप खड़ा है। धनंजय और सय कुमार की मनोरंजन करते हैं जैसा कि दिगंत मंचले करते हैं। कलाकारों की टुकड़ी में बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, चाहे वो सोनू गोरा हो, सुधरानी, विशाल हेगड़े, अच्युत कुमार या प्रकाश बोयलावाड़ी हो, या ये सभी अपने सीमित साधनों के भीतर काम करते हैं। युवरत्ना राजकुमारा की तरह मानवीय मूल्य के बारे में एक कहानी है। हालांकि इस बार पृष्ठभूमि एक कॉलेज परिसर की है। उन लोगों के लिए जो अपने मसाला मनोरंजक पसंद करते हैं ये निराश नहीं करेगा। फिल्म आपको शिक्षा प्रणाली के खिलाफ कुछ नाटकों की याद दिलाती है, खासकर तमिल सिनेमा में। लेकिन युवरत्ना का अभी भी अपना आकर्षण है और अगर आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कुछ कहना चाहेंगी आप दोनों? यशोदा मैया कही। यशोदा मैया को तो वैसे ऑडियंस से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है और मुझे मेरे बच्चे से भी बहुत प्यार मिल रहा है। और फिलहाल तो यशोदा मैया को पता नहीं है कि वो यशोदा मैया है, बट प्यार कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा। अच्छा, तो आप देवकी समझ रही हैं? बिल्कुल। मैं तो देवकी हूँ, मेरा लाल है ये। बिल्कुल। बहुत प्यारा है, अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता है, पर कुछ हादसे हुए हैं जिंदगी में, हर किसी के होते रहते हैं, पर अब बहुत जल्द खुशी आने वाली है और वो खुशी के बारे में हम नहीं बताएंगे। आपको देखना पड़ेगा। वैसे देखते हैं आप लोग? Yes. कोई फॉलो कर रहा है? नहीं नहीं, कर लेंगे अभी, कोई बात नहीं। सो स्वीट ऑफ यू। नीलू मैम, आपसे जानना चाहूंगी, इससे पहले जिस किरदार में हमने आपको देखा था, आज भी लोग उस किरदार से आपको जानते हैं। थैंक यू जी। और जब इससे डिफरेंट किरदार मिलता है तो एक्चुअली जो राजेश्वरी देवी का जो कैरेक्टर है ये बहुत ही डिफरेंट है। इसमें
बेटे, परिवार और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वो थोड़ी सोशल भी है औरतों के लिए, इंडिपेंडेंट औरतों के लिए। और इसमें एक जो पहलू है दादी और पोते का, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग जो आएगा, मैं बताऊंगी नहीं, बट जब भी मैं वो सीन कर रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, छोटे बच्चे के साथ, काना के साथ एंड ऑल। और बहुत स्ट्रांग लेडी है, घर में रूल करती है, बट इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर। और विधवा के लिए कुछ अनकही बातें हैं उसके मन के अंदर जो उसके परिवार में उसके साथ बीती थी, और उसके लेके जो स्ट्रांग रीजंस है वो काफ़ी है, ऐसा होता भी है। और इसके लिए हमें थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए कि ऐसे हालात घर में पैदा ना हो जो आगे लोगों को तकलीफ दे। और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज विद अ फैमिली, और बहुत ही डिसेंट वे में पोर्ट्रे किया जा रहा है। एंड मैं दिल तुम धड़कन, ये दो परिवार के लिए है, जैसे मैं दिल हूँ ये मेरी धड़कन है, वैसे कान्हा इनका दिल है और ये इनकी धड़कन, कान्हा मेरी धड़कन है, धड़कन है ये दिल है और ये उनकी धड़कन है। हाँ, जैसे मैं दिल हूँ और कान्हा मेरी धड़कन है। हाँ तो तीन कहानियाँ हैं, इट्स अ वेरी फ्रेश कॉन्सेप्ट। और आई थिंक शिमारू उमंग ने बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया है, जो मेरे इंस्टा पे कमेंट्स है आप लोग जाके देख सकते, बिकॉज वी कांट राइट दैट कमेंट्स। तो जो लोगों ने बोला है कि हमें कुछ एक नया देखने को मिल रहा है, एक ओरिजिनल चीज देखने को मिल रही है, हाँ जी, और बहुत ही नेचुरल भी है जो कैरेक्टर्स जो वो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो बहुत नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि बनाए जा रहे हैं वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए कि मुझे किसी को डांटना है तो मुझे वो सीन बनाना पड़ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक हाँ, एक माहौल ऐसा क्रिएट है जो हर घर में होता है। हम भी घर में जाते हैं तो कई बार माँ जो है खाना बना के रखती है और हमारा नोटिस ही नहीं होता है, अरे उन्होंने थाली बना के रखी, और हम अपने काम में उलझ जाते। तो मैं दिल तुम धड़कन इज जस्ट लाइक अ फैमिली, और वैसे ही कॉन्सेप्ट है, आई थिंक सब रिलेट कर पाएंगे, सब रिलेट कर पाएंगे, एंड इट्स अ वेरी फ्रेश। और आई थिंक राजेश्वरी का रोल जो मुझे मिला है, आई एम रियली हैविंग अ वेरी ग्रेट ऑनर आफ्टर भाबो, आई एम गेटिंग दिस कैरेक्टर, सो रियली थैंक्स टू शेमारू एंड शशि सुमित प्रोडक्शन फॉर गिविंग मी दिस रोल, थैंक यू। राधिका, आई थिंक आपको ऐसे अंदाज में शायद ही ऑडियंस ने देखा होगा, काफी अलग किरदार है, अलग शो है, कॉन्सेप्ट अलग है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत, मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि अभी तक जो भी मैंने शोज किए हैं उसमें बहुत यंग लड़की, यंग रोमांस, यही सब किया, तो ये थोड़ी मैच्योर है वृंदा, और जो भी आगे कहानी बढ़ेगी वो बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करेगी वृंदा, जो इससे पहले के मेरे कैरेक्टर शायद 20-22 साल की लड़कियों वाली स्टोरी थी, बट नाउ इट विल बी अ मैच्योर अप्रोच, और मेरा बच्चा भी है इसमें, तो वो मेरे ऑडियंस के लिए बहुत ही नया है, और आई थिंक वो बहुत पसंद कर रहे हैं, मतलब आई हैव हार्डली सीन एनी हेट कमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं वो लोग, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि और क्या ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है, मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। देखिए केशव अग्रवाल जो है वो बहुत ही सुलझा हुआ, हार्ड वर्किंग, एक हमारे हिंदुस्तान में एक इमेज होती है ना एक लड़के की, बड़े लड़के की, घर का जो जिम्मेदार लड़का होता है वो आइडियल हस्बैंड, आइडियल सन, जो जिम्मेदारी को समझे और अपनी यू नो फैमिली वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ उनको साथ में लेके चले, तो केशव अग्रवाल जो है वो इसी तरह का कैरेक्टर है, और यू नो काफ़ी सुलझा हुआ है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं लाइफ में कि वो टूट गया है, परेशान है बहुत ज़्यादा, बट उसने अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको कभी डिस्कार्ड नहीं किया, और उन पे चलते हुए वो इन सारी चीज़ों का सामना करते हुए इस लड़ाई को जीतेगा, आगे बढ़ेगा। आप दोनों से जानना चाहूँगी किस तरीके की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी हमें, अगर एज अ ऑडियंस हमें बताना चाहें आप? वेरी ब्यूटीफुल केमिस्ट्री रियली, अब तक जो भी एपिसोड्स देखे हैं, जो कमेंट्स आए लोगों के, They are looking beautiful, very nice. Thank you. इसलिए देखते रहिए, हम लोग बहुत जलवे बिखेरेंगे अपनी। क्या बात है? Yeah, yeah, yeah. मुझे लगता है सारे emotions हम दिखा देंगे एक दूसरे के साथ। We are going to do our best. हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने fans को मतलब
तकलीफ ना दे और उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई हम उनकी उम्मीद तक नहीं पहुंचे और हम उनके दिल तक पहुंचने के बहुत ही करीब कोशिश करेंगे। क्या स्टोरी इतनी अच्छी है ना तो एक्टर के लिए भी बहुत बहुत सपोर्ट हो जाता है क्योंकि इतनी स्टोरी इतनी अच्छी है, फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं कि एक्टर अपना अपना सब कुछ झोंक देता है उसके अंदर और इतनी अच्छी राइटिंग है, इतने अच्छे सीन्स आ रहे हैं हमारे लिख के, तो हम सब अपना 100% नहीं 200% दे रहे हैं कि इतना जितना ब्यूटीफुल इसको बना सकते हैं, जितना ऑर्गेनिक रख सकते हैं इस चीज़ को, तो पूरी कोशिश हम लोग तीन यहाँ पे हैं लेकिन हमारी पूरी कास्ट जो है को हम इतना सपोर्ट करते हैं, इतना ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, व्हिच इज वेरी गुड। सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को मैं यही कहूंगी कि मेरी पूरी टीम जो भी है, मैं दिल तुम धड़कन की उन सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस शो को पसंद करने के लिए और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग देखेंगे, आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा और इतना ही प्यार देंगे। मैं दिल तुम धड़कन की राजेश्वरी देवी को और वृंदा को एंड केशव को और ताना भूलना मत। या ही इज अ जेम, बस उसे सुला के आई हूँ मैं घर पे। वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है काना, और वेरी स्वीट, इज वेरी स्वीट, वो मतलब हम लोग को ही कभी कभार सरप्राइज कर देता है। एक्चुअली मैं पब्लिक को ही बोलना चाहूंगी, वो दही वाला माखन वाला एक सीन है, आई थिंक ऑन एयर आने वाला है ऑलमोस्ट, वो सीन करते वक्त मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था, एंड ही वाज डांसिंग एंड ही वाज एंजॉयिंग, हकीकत में वो काना ही लग रहा था। वेरी नाइस, प्लीज डू वॉच दैट सीन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, लुक सेंटर, क्या लुक सेंटर, सेंटर लेफ्ट राइट मैम, आई थिंक मैम वहां से यहाँ तक ऐसे। अच्छा, ऐसे पूरा एक चक्कर मार, यस, सेमी सर्कल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। सिंगल सिंगल सोलो सोलो करके, सोलो सोलो करके आइए। जय भीम, जय भीम। लुक सेंटर, ओके, थैंक यू। लुक सेंटर, लुक सेंटर, सेंटर मैप, थैंक यू, थैंक यू। हर तरफ हमेशा नहीं देखना, सारे बड़े कैमरे हैं इधर। अच्छे से स्माइल देना बेटा, ई चीज, बस अब कम। थैंक यू, दोनों दोनों का साथ में, दोनों का बात नहीं, बीच में आ जाऊंगी। लुक सेंटर, बाद में आती हूँ मैं, इनके फोटोज हो गए बता देना मुझे। डन, रुको अभी मैं आती हूँ, डन डन डन, इन दोनों को बीच में से अलग करने के लिए। अरे क्या हुआ था, ये रियलिटी शो का गड़बड़ा गई, हर रियलिटी शो में यही होता है। तेरी बाद में लेके आना होगा दूसरी फोटो, मतलब नहीं बेटा ऐसे नहीं। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. This was just nice. जाने कैसी है पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्ना। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में।
कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्न कन्नड़ और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन संतोष आनंद राम ने किया। अब आइए रिव्यू में जाने की डिसेंट बस के तहत तेलुगु में रिलीज हुई इस मास एंटरटेनर फिल्म ने दर्शकों को कितना प्रभावित किया। कहानी में आगे बढ़ते हुए एक लड़की जो गुरुदेव देशमुख के कॉलेज में एक गरीब प्रतिभाशाली छात्रा है, गलती से आत्महत्या कर लेती है। इसके साथ ही गुरुदेव भ्रष्ट शिक्षा मंत्री से लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में अर्जुन प्रकाश राज के साथ खड़े होते हैं। और ऐसे खड़े अर्जुन से उनका क्या रिश्ता है, क्या अर्जुन इस लड़ाई में सफल होगा, उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ेगी, उन्हें जाने का बैकग्राउंड से जुड़ी कोई बात है या नहीं, इसलिए उन्हें ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म में बहुत सारी कमियां और अतार्किक तत्व है। ऐसा लगता है कि पूरी कहानी एक ही हीरो की भूमिका पर केंद्रित है। इसके अलावा एक और बड़ी कमी ये है कि नायिका सायशा और पुनीत के बीच अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें योगदान देने वाले दृश्य अच्छे नहीं है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है और अनावश्यक दृश्य को जोड़ना जो विषय के लिए जरूरी नहीं है एक और उबायु पहलू है। क्लाइमैक्स भी ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। एक और आश्चर्य की बात यह है कि थमन का बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। इसका मतलब है कि बहुत ही अधिक ध्वनि के साथ ये खत्म हो जाता है। ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए तकनीकी श्रेणी में पहली फिल्म है। KGF जैसी ठोस फिल्म देने वाले होमले ने इस फिल्म को उच्च उत्पादन मूल्य भी दिए है। थमन का संगीत कुल मिलाकर इस फिल्म के लिए ठीक है। वेंकटेश अनुराग की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, लेकिन अगर ज्ञानेश मैट का संपादन कार्य बेहतर होता तो सभी अनावश्यक दृश्य कुछ धीमी गति वाले शॉर्ट्स और दूसरे भाग के कुछ दृश्य काट दिए गए होते। जब निर्देशक संतोष की बात आती है तो सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म एक शुद्ध जनरल मनोरंजन होगी, लेकिन उन्होंने जनता के साथ साथ एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने जो मूल पंक्ति लिखी है वो अच्छी है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे जन तत्व के साथ ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सके। यदि उन्होंने इस व्यवसाय कोण को दूसरे संस्करण में प्रस्तुत किया होता तो आउटपुट अलग हो सकता था। कुल मिलाकर मुख्य किरदार पुनीत ने इस युवरत्न में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उन्होंने हर चीज में अच्छा आउटपुट दिया, जिसमें उनका फुल मास एंगल के साथ साथ एडावर डांस भी शामिल है। साथ ही कई जनतत्व भी अच्छे है, लेकिन ये इस मूवी लाइन के लिए निर्देशक द्वारा की गई संदेश प्रस्तुति के लिए इतने सुविधाजनक नहीं लगते है। जो लोग इन तर्कों से हटकर सामूहिक तत्व चाहते हैं, ये इस फिल्म को एक बार आजमा सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। युवरत्न साउथ की एक ऐसी फिल्म जो स्टूडेंट्स में जोश भर देगा। जाने फिल्म की कहानी, साथ ही जाने फिल्म को फ्री में देखने का तरीका। अर्जुन सातवें सेमेस्टर में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में राष्ट्रकूट विश्वविद्यालय में शामिल होता है। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज खतरे में है। निजी संस्थान इस कॉलेज और अवैध छात्रों की छवि को खराब करने के लिए क्या कर रहे हैं। कॉलेज ज्वाइन करते ही अर्जुन कई लोगों से भिड़ जाता है और ऐसा लगता है जैसा कि वो किसी मिशन पर है, लेकिन ये है कौन। राजकुमार की टीम ने एक बार फिर सुनिश्चित किया कि युवरत्न पर बहुत उम्मीद है। कहानी जो एक कॉलेज परिसर में स्थापित है, बहुत सारे प्रासंगिक मुद्दों पर स्पॉटलाइट डालने की कोशिश करती है, जैसे निजी संस्थान, शिक्षा, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के रूप में पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में बहुत सारे संवादों के साथ जन तत्वों का मिश्रण है जो धार्मिकता का उपदेश देने की कोशिश करते हैं। क्या ये मिश्रण काम करता है? काफी हद तक करता है। युवरत्न की शुरुआत एक मेधावी छात्र की आत्महत्या से होती है, जो पैसे की भूखे व्यापारियों और उसके प्रिंसिपल की दुर्भावना का शिकार होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ये सुख लड़ाई उस बड़े खतरे का प्रतीक है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों पर छाया डालने की कोशिश कर रहे निजी कॉलेजों पर मंडरा रहा है। इस परिदृश्य के बीच में अर्जुन आता है, जो कोर्स के बीच में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में शामिल हो जाता है। वो कौन है, उसका मिशन क्या है, अर्जुन को इस आंदोलन से क्या जोड़ता है।
युवरत्न प्रशंसकों का मनोरंजन करता है और इसमें एक्शन, भावनाओं, कॉमेडी और यहाँ तक कि रोमांस की भी भरपूर खुराक है, जबकि ये ठीक काम करता है। इसके सीजनिंग पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जा सकता था ताकि ये एकदम सही उभर सके। पर्याप्त पात्र है उनमें से अधिकांश के पास करने के लिए कुछ न कुछ है। हालांकि कोई चाहता है कि प्रमुख कलाकारों में से एक या दो की कुछ और भूमिकाएं हो। पावर स्टार के प्रशंसकों के लिए ये एक ट्रीट है क्योंकि ये एक पुनीत राजकुमार शो है। वो अपने मुस्कान के साथ लड़ाई, नृत्य, मुंह की मजबूत रेखाएं और आकर्षण प्राप्त करता है और वो ये सब सहजता से करता है। प्रकाश राज की दूसरी सबसे प्रमुख भूमिका है और वो अपेक्षा के अनुरूप खड़ा है। धनंजय और सही कुमार की मनोरंजन करते हैं, जैसा कि दिगंत मंचले करते हैं। कलाकारों की टुकड़ी में बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, चाहे वो सोनू गोरा हो, सुधरानी, विशाल हेगड़े, अच्युत कुमार या प्रकाश बोयलावाड़ी हो, या ये सभी अपने सीमित साधनों के भीतर काम करते हैं। युवरत्न राजकुमारा की तरह मानवीय मूल्य के बारे में एक कहानी है। हालांकि इस बार पृष्ठभूमि एक कॉलेज परिसर की है। उन लोगों के लिए जो अपने मसाला मनोरंजक पसंद करते हैं, ये निराश नहीं करेगा। फिल्म आपको शिक्षा प्रणाली के खिलाफ कुछ नाटकों की याद दिलाती है, खासकर तमिल सिनेमा में। लेकिन युवरत्न का अभी भी अपना आकर्षण है और अगर आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। जाने कैसी है पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्न। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्न कन्नड़ और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन संतोष आनंद राम ने किया। अब आइए रिव्यू में जाने की डिसेंट बस के तहत तेलुगु में रिलीज हुई इस मास एंटरटेनर फिल्म ने दर्शकों को कितना प्रभावित किया। कहानी में आगे बढ़ते हुए एक लड़की जो गुरुदेव देशमुख के कॉलेज में एक गरीब प्रतिभाशाली छात्रा है, गलती से आत्महत्या कर लेती है। इसके साथ ही गुरुदेव भ्रष्ट शिक्षा मंत्री से लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में अर्जुन प्रकाश राज के साथ खड़े होते हैं। और ऐसे खड़े अर्जुन से उनका क्या रिश्ता है, क्या अर्जुन इस लड़ाई में सफल होगा, उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ेगी, उन्हें जाने का बैकग्राउंड से जुड़ी कोई बात है या नहीं, इसलिए उन्हें ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म में बहुत सारी कमियां और अतार्किक तत्व है। ऐसा लगता है कि पूरी कहानी एक ही हीरो की भूमिका पर केंद्रित है। इसके अलावा एक और बड़ी कमी ये है कि नायिका सायशा और पुनीत के बीच अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें योगदान देने वाले दृश्य अच्छे नहीं है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है और अनावश्यक दृश्य को जोड़ना जो विषय के लिए जरूरी नहीं है एक और उबायु पहलू है। क्लाइमैक्स भी ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। एक और आश्चर्य की बात यह है कि थमन का बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। इसका मतलब है कि बहुत ही अधिक ध्वनि के साथ ये खत्म हो जाता है। ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए तकनीकी श्रेणी में पहली फिल्म है। केजीएफ जैसी ठोस फिल्म देने वाले होमले ने इस फिल्म को उच्च उत्पादन मूल्य भी दिए है। थमन का संगीत कुल मिलाकर इस फिल्म के लिए ठीक है। वेंकटेश अनुराग की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, लेकिन अगर ज्ञानेश मैट का संपादन कार्य बेहतर होता तो सभी अनावश्यक दृश्य कुछ धीमी गति वाले शॉर्ट्स और दूसरे भाग के कुछ दृश्य काट दिए गए होते। जब निर्देशक संतोष की बात आती है तो सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म एक शुद्ध जनरल मनोरंजन होगी, लेकिन उन्होंने जनता के साथ साथ एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने जो मूल पंक्ति लिखी है वो अच्छी है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे जन तत्व के साथ ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सके। यदि उन्होंने इस व्यवसाय कोण को दूसरे संस्करण में प्रस्तुत किया होता तो आउटपुट अलग हो सकता था। कुल मिलाकर मुख्य किरदार पुनीत ने इस युवरत्न में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उन्होंने हर चीज में अच्छा आउटपुट दिया, जिसमें उनका फुल मास एंगल के साथ साथ एडावर डांस भी शामिल है। साथ ही कई जनतत्व भी अच्छे है, लेकिन ये इस मूवी लाइन के लिए निर्देशक द्वारा की गई संदेश प्रस्तुति के लिए इतने सुविधाजनक नहीं लगते है। जो लोग इन तर्कों से हटकर सामूहिक तत्व चाहते हैं, ये इस फिल्म को एक बार आजमा सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।
युवा रत्न साउथ की एक ऐसी फिल्म जो स्टूडेंट्स में जोश भर देगा। जाने फिल्म की कहानी, साथ ही जाने फिल्म को फ्री में देखने का तरीका। अर्जुन सातवें सेमेस्टर में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में राष्ट्रकूट विश्वविद्यालय में शामिल होता है। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज खतरे में है। निजी संस्थान इस कॉलेज और अवैध छात्रों की छवि को खराब करने के लिए क्या कर रहे हैं। कॉलेज ज्वाइन करते ही अर्जुन कई लोगों से भिड़ जाता है और ऐसा लगता है जैसा कि वो किसी मिशन पर है, लेकिन ये है कौन। राजकुमार की टीम ने एक बार फिर सुनिश्चित किया कि युवा रत्ना पर बहुत उम्मीद है। कहानी जो एक कॉलेज परिसर में स्थापित है, बहुत सारे प्रासंगिक मुद्दों पर स्पॉटलाइट डालने की कोशिश करती है, जैसे निजी संस्थान, शिक्षा, भ्रष्टाचार और यहां तक कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के रूप में पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में बहुत सारे संवादों के साथ जन तत्वों का मिश्रण है जो धार्मिकता का उपदेश देने की कोशिश करते हैं। क्या ये मिश्रण काम करता है? काफी हद तक करता है। युवा रत्ना की शुरुआत एक मेधावी छात्र की आत्महत्या से होती है, जो पैसे की भूख के व्यापारियों और उसके प्रिंसिपल की दुर्भावना का शिकार होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ये सुख लड़ाई उस बड़े खतरे का प्रतीक है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों पर छाया डालने की कोशिश कर रहे निजी कॉलेजों पर मंडरा रहा है। इस परिदृश्य के बीच में अर्जुन आता है, जो कोर्स के बीच में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में शामिल हो जाता है। वो कौन है, उसका मिशन क्या है, अर्जुन को इस आंदोलन से क्या जोड़ता है। युवा रत्न प्रशंसकों का मनोरंजन करता है और इसमें एक्शन, भावनाओं, कॉमेडी और यहाँ तक कि रोमांस की भी भरपूर खुराक है, जबकि ये ठीक काम करता है। इसके सीजनिंग पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जा सकता था ताकि ये एकदम सही उभर सके। पर्याप्त पात्र है उनमें से अधिकांश के पास करने के लिए कुछ न कुछ है। हालांकि कोई चाहता है कि प्रमुख कलाकारों में से एक या दो की कुछ और भूमिकाएं हो। पावर स्टार के प्रशंसकों के लिए ये एक ट्रीट है, क्योंकि ये एक पुनीत राजकुमार शो है। वो अपने मुस्कान के साथ लड़ाई, नृत्य, मुंह की मजबूत रेखाएं और आकर्षण प्राप्त करता है और वो ये सब सहजता से करता है। प्रकाश राज की दूसरी सबसे प्रमुख भूमिका है और वो अपेक्षा के अनुरूप खड़ा है। धनंजय और सय कुमार की मनोरंजन करते हैं, जैसा कि दिगंत मंचले करते हैं। कलाकारों की टुकड़ी में बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, चाहे वो सोनू गोरा हो, सुध रानी, विशाल हेगड़े, अच्युत कुमार या प्रकाश बोयलावाड़ी हो, या ये सभी अपने सीमित साधनों के भीतर काम करते हैं। युवा रत्न राजकुमारा की तरह मानवीय मूल्य के बारे में एक कहानी है। हालांकि इस बार पृष्ठभूमि एक कॉलेज परिसर की है, उन लोगों के लिए जो अपने मसाला मनोरंजक पसंद करते हैं, ये निराश नहीं करेगा। फिल्म आपको शिक्षा प्रणाली के खिलाफ कुछ नाटकों की याद दिलाती है, खासकर तमिल सिनेमा में, लेकिन युवा रत्न का अभी भी अपना आकर्षण है। और अगर आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। जाने कैसी है पुनीत राजकुमार की फिल्म युवा रत्न। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार की फिल्म युवा रत्न कन्नड़ और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन संतोष आनंद राम ने किया। अब आइए रिव्यू में जाने की डिसेंट बस के तहत तेलुगु में रिलीज हुई इस मास एंटरटेनर फिल्म ने दर्शकों को कितना प्रभावित किया। कहानी में आगे बढ़ते हुए एक लड़की जो गुरुदेव देशमुख के कॉलेज में एक गरीब प्रतिभाशाली छात्रा है, गलती से आत्महत्या कर लेती है। इसके साथ ही गुरुदेव भ्रष्ट शिक्षा मंत्री से लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में अर्जुन प्रकाश राज के साथ खड़े होते हैं। और ऐसे खड़े अर्जुन से उनका क्या रिश्ता है, क्या अर्जुन इस लड़ाई में सफल होगा, उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ेगी, उन्हें जाने का बैकग्राउंड से जुड़ी कोई बात है या नहीं, इसलिए उन्हें ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म में बहुत सारी कमियां और अतार्किक तत्व है। ऐसा लगता है कि पूरी कहानी एक ही हीरो की भूमिका पर केंद्रित है।
इसके अलावा एक और बड़ी कमी ये है कि नायिका सायशा और पुनीत के बीच अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें योगदान देने वाले दृश्य अच्छे नहीं है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है और अनावश्यक दृश्य को जोड़ना जो विषय के लिए जरूरी नहीं है एक और उबायु पहलू है। क्लाइमैक्स भी ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। एक और आश्चर्य की बात यह है कि थवन का बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। इसका मतलब है कि बहुत ही अधिक ध्वनि के साथ ये खत्म हो जाता है। ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए तकनीकी श्रेणी में पहली फिल्म है। KGF जैसी ठोस फिल्म देने वाले होमले ने इस फिल्म को उच्च उत्पादन मूल्य भी दिए है। थमन का संगीत कुल मिलाकर इस फिल्म के लिए ठीक है। वेंकटेश अनुराग की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, लेकिन अगर ज्ञानेश मैट का संपादन कार्य बेहतर होता तो सभी अनावश्यक दृश्य कुछ धीमी गति वाले शॉर्ट्स और दूसरे भाग के कुछ दृश्य काट दिए गए होते। जब निर्देशक संतोष की बात आती है तो सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म एक शुद्ध जनरल मनोरंजन होगी, लेकिन उन्होंने जनता के साथ साथ एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने जो मूल पंक्ति लिखी है वो अच्छी है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे जन तत्व के साथ ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सके। यदि उन्होंने इस व्यवसाय कोण को दूसरे संस्करण में प्रस्तुत किया होता तो आउटपुट अलग हो सकता था। कुल मिलाकर मुख्य किरदार पुनीत ने इस युवरत्न में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उन्होंने हर चीज में अच्छा आउटपुट दिया, जिसमें उनका फुल मास एंगल के साथ साथ एडावर डांस भी शामिल है। साथ ही कई जनतत्व भी अच्छे है, लेकिन ये इस मूवी लाइन के लिए निर्देशक द्वारा की गई संदेश प्रस्तुति के लिए इतने सुविधाजनक नहीं लगते है। जो लोग इन तर्कों से हटकर सामूहिक तत्व चाहते हैं, ये इस फिल्म को एक बार आजमा सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। युवा रत्न साउथ की एक ऐसी फिल्म जो स्टूडेंट्स में जोश भर देगा। जाने फिल्म की कहानी, साथ ही जाने फिल्म को फ्री में देखने का तरीका। अर्जुन सातवें सेमेस्टर में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में राष्ट्रकूट विश्वविद्यालय में शामिल होता है। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज खतरे में है। निजी संस्थान इस कॉलेज और अवैध छात्रों की छवि को खराब करने के लिए क्या कर रहे हैं। कॉलेज ज्वाइन करते ही अर्जुन कई लोगों से भिड़ जाता है और ऐसा लगता है जैसा कि वो किसी मिशन पर है, लेकिन ये है कौन। राजकुमार की टीम ने एक बार फिर सुनिश्चित किया कि युवरत्ना पर बहुत उम्मीद है। कहानी जो एक कॉलेज परिसर में स्थापित है बहुत सारे प्रासंगिक मुद्दों पर स्पॉटलाइट डालने की कोशिश करती है, जैसे निजी संस्थान, शिक्षा, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के रूप में पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में बहुत सारे संवादों के साथ जन तत्वों का मिश्रण है जो धार्मिकता का उपदेश देने की कोशिश करते हैं। क्या ये मिश्रण काम करता है? काफी हद तक करता है। युवरत्ना की शुरुआत एक मेधावी छात्र की आत्महत्या से होती है, जो पैसे की भूख के व्यापारियों और उसके प्रिंसिपल की दुर्भावना का शिकार होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ये सुख लड़ाई उस बड़े खतरे का प्रतीक है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों पर छाया डालने की कोशिश कर रहे निजी कॉलेजों पर मंडरा रहा है। इस परिदृश्य के बीच में अर्जुन आता है, जो कोर्स के बीच में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में शामिल हो जाता है। वो कौन है, उसका मिशन क्या है, अर्जुन को इस आंदोलन से क्या जोड़ता है। युवरत्न प्रशंसकों का मनोरंजन करता है और इसमें एक्शन, भावनाओं, कॉमेडी और यहाँ तक कि रोमांस की भी भरपूर खुराक है, जबकि ये ठीक काम करता है। इसके सीजनिंग पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जा सकता था ताकि ये एकदम सही उभर सके। पर्याप्त पात्र है उनमें से अधिकांश के पास करने के लिए कुछ न कुछ है। हालांकि कोई चाहता है कि प्रमुख कलाकारों में से एक या दो की कुछ और भूमिकाएं हो। पावर स्टार के प्रशंसकों के लिए ये एक ट्रीट है, क्योंकि ये एक पुनीत राजकुमार शो है। वो अपने मुस्कान के साथ लड़ाई, नृत्य, मुंह की मजबूत रेखाएं और आकर्षण प्राप्त करता है और वो ये सब सहजता से करता है। प्रकाश राज की दूसरी सबसे प्रमुख भूमिका है और वो अपेक्षा के अनुरूप खड़ा है। धनंजय और सय कुमार की मनोरंजन करते हैं, जैसा कि दिगंत मंचले करते हैं। कलाकारों की टुकड़ी में बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, चाहे वो सोनू गोरा हो,
सुधरानी, विशाल हेगड़े, अच्युत कुमार या प्रकाश बोयलावाड़ी हो या ये सभी अपने सीमित साधनों के भीतर काम करते हैं। युवरत्न राजकुमारा की तरह मानवीय मूल्य के बारे में एक कहानी है। हालांकि इस बार पृष्ठभूमि एक कॉलेज परिसर की है, उन लोगों के लिए जो अपने मसाला मनोरंजक पसंद करते हैं, ये निराश नहीं करेगा। फिल्म आपको शिक्षा प्रणाली के खिलाफ कुछ नाटकों की याद दिलाती है, खासकर तमिल सिनेमा में। लेकिन युवरत्न का अभी भी अपना आकर्षण है, और अगर आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। हाय मैम, फर्स्टली वेलकम टू अवर चैनल। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा था और अब ऑफ एयर चला गया, और सबके लिए यू नो शॉकिंग था कि शो अच्छा करते करते टीआरपी भी अच्छी थी और फिर ऑफ एयर हो गया। व्हाट वाज द रीज़न और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इवन आई वांट टू नो द रीज़न, आई डेफिनेटली वांट टू नो द रीज़न, एंड इट्स वेरी हार्ड ब्रेकिंग दैट अनोखा बंधन हैड टू एंड लाइक दैट। हम कोई प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए, कोई भी नहीं, लाइक इवन लाइक फ्रॉम आर प्रोड्यूसर्स टिल द आर्टिस्ट, आर कैमरा डिपार्टमेंट, टेक्नीशियन डिपार्टमेंट, द स्पॉट बॉयज, द लाइट मैन, नो वन वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम सब घर आते हैं दैट टू रिज्यूम टू शूट आफ्टर टू डे, दे हैड सेड दैट हमारे पास काफ़ी सारे बैंक हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि दो दिन का ब्रेक विल टेक एंड विल मेक आगे के प्लॉट्स, आगे का स्टोरी लाइन विल डिसाइड ऑन द स्टोरी बोर्ड एंड विल कम बैक टू वर्क। गुड। एंड आई वॉज फाइटिंग विथ माई EP दैट आई नीड माई छुट्टी फॉर माई दुर्गा पूजा, तो ये सारी उसके साथ फाइटिंग क्या हमारे, इज अ वेरी स्वीट गाय, तो उसके साथ मतलब मैं उसको डांटनी, मुझे छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए, सो ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे। एंड थर्सडे की बात है दैट हम लोग ये ऐसी बातें कर रहे थे, एंड सैटरडे संडे जो हमारा शूटिंग था छुट्टी थी, एंड मंडे वी वर सपोज टू गो बैक टू वर्क, एंड मंडे वी कम टू नो दैट वी आर नॉट डूइंग इट, दैट्स हाउ इट एंडेड। मतलब मिड वीक वेडनेसडे मैंने वही कहा कि इन माई लाइफ आई हैव नेवर सीन एनी शो गोइंग ऑफ एयर मिड वीक और ऐसे विदाउट एनी क्लोजर, सो आई जस्ट डोंट नो व्हाट हैपेंड। वेल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस और बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, हाउ वाज योर बॉन्ड विद योर को एक्टर्स, और किससे सबसे ज़्यादा यू नो मिस करती हो, जिससे रोज रोज मिलते थे अब नहीं मिल पा रहे? आई थिंक ये हर कोई इस चीज़ को मानेगा दैट अनोखा बंधन हैड द बेस्ट टीम आई हैव वर्कड विद एवर, लाइक बी इट प्रोड्यूसर्स, बी इट आर को एक्टर्स एंड हमारे डायरेक्टर्स, हमारे टेक्नीशियन टीम, हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा हमारे अंदर यूनिटी थी, एंड स्पेशली विद आर को एक्टर्स बॉन्डिंग टुगेदर, हम लोग सब लोग एक साथ, अगर हम लोग का सीन्स नहीं भी होते थे तो हम लोग साथ में होते थे, खाना खाना साथ में, हंसी मजाक करना, चाय पीना, वी ऑल वेर लाइक अ बिग बिग फैमिली, सो आई एम गोना मिस एवरीथिंग अबाउट अनोखा बंधन, एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स माय बॉन्ड विद ऑल माय को एक्टर्स, एंड स्पेशली आई कॉल हर माय झल्ली, एंड शी इज़ प्रांजलि, सबसे लेट आई हमारे सेट पे इन टर्म्स ऑफ हमारे एक्टर्स टीम में, बट उसके साथ एक अलग ही बॉन्ड बन गया था मेरा, इट वॉज अ डिफरेंट बॉन्ड विद हर, शी वॉज सो रियल, शी वॉज सो ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ, ऑलवेज मेड मी लाफ, एंड द वे शी वॉज यू नो, तो मुझे उसका, वी जस्ट कनेक्टेड इंस्टेंटली, देर वॉज नो ट्राइंग फॉर इट, आई मिस हर द मोस्ट, एंड ऑफ कोर्स अल्तमश एंड सो मेनी ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। मैम, यू नो आपने बहुत सारी मूवीज़ की है, स्पेशली मैं बात करूँ भोजपुरी, तेलुगु भी आपने किया है, नाउ हिंदी इंडस्ट्री, व्हाट ऑल डिफरेंसेस यू हैव सीन और व्हाट ऑल चैलेंजेस यू हैव फेस्ड? येस, आई स्टार्टेड ऑफ विद हिंदी फिल्म, माई फर्स्ट फिल्म इज़ भारत भाग्य विदाता, आई डिड बंगाली फिल्म, आई डिड तेलुगु फिल्म, आई डिड भोजपुरी, ऑफकोर्स आई एम स्टिल डूइंग, एंड हिंदी सीरियल्स एंड एवरीथिंग। चैलेंजेस सी, हर इंडस्ट्री की अपनी चैलेंज है, हर फिल्म, हर एक फिल्म का रोज बनना ही और उसका एक शूट करना ही अपने में एक चैलेंज होता है, सो चैलेंजेस आर देयर इन एवरी जॉनर।
ये है कि तेलुगु इंडस्ट्री दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दे आर वेरी मच इन टाइम लाइक दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग दैट आपका इतने बजे शूटिंग शुरू होगी इतने बजे ख़त्म होगा सो उसके बियॉन्ड कुछ नहीं जो भी करना है आपको ये 12 आवर्स में करना है 7 to 7 9 to 9 और वट एवर तो दे आर वेरी पर्टिकुलर बट टाइमिंग एंड भोजपुरी इज़ अगेन जस्ट लाइक अपना हिंदी थोड़ा सा लग्जरी लेड बैक ये वो सीरियल में आपके पास आई थिंक इट्स मोस्ट चैलेंजिंग बिकॉज आपको हर दिन शूट करना है यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज आपके पास हर किसी के पास यहाँ टाइम बहुत कम होता है बिकॉज वी हैव टू डिलीवर आर टेलीकास्ट तो इस वजह से हमारे पास आपको अच्छा चीज़ आपको इंस्टेंटली देना है आपको बहुत ज़्यादा आप रिटेक्स नहीं ले सकते बिकॉज टाइम नहीं है उतना सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम आई फील दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर आर टी वी इंडस्ट्री वेल मैम अगर मैं भोजपुरी की बात करूँ सो डू यू फील लाइक भोजपुरी और टी वी अभी जिस तरह आपने किया यू नो मेंशन किए कि सिमिलर है ऑलमोस्ट सो डू यू थिंक लाइक एवरीथिंग इज सिमिलर और यू नो देर आर डिफरेंसेस लैंग्वेज इज द डिफरेंस यस अदरवाइज अब अदरवाइज सी लैंग्वेज इज़ डिफरेंट ऑफकोर्स बट मुझे ऐसा लगता है कि अब जो भोजपुरी में जो टी वी बिकॉज बहुत सारे टी वी चैनल्स आ चुके हैं भोजपुरी में जो बहुत अच्छी बात है अब उस वजह से हुआ क्या जैसे कभी कभी थोड़ी सी अजीब और गरीब फिल्में बन रही थी बीच में नो एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट इट एंड वो सारी चीज़ें हट गई हैं भोजपुरी में विच इज़ वेरी गुड बिकॉज ऑफ द टी वी मीडियम एंड बिकॉज अभी हमारी फैमिलीज जो धीरे धीरे भोजपुरी से चली गई थी वो दोबारा जुड़ गई है भोजपुरी इंडस्ट्री से बिकॉज हमने वैसी फिल्में बनाना शुरू कर दी लेडीज़ ओरिएंटेड फिल्में बनाना शुरू कर दी वी स्टार्टेड मेकिंग स्टोरी फिल्में बट होता क्या है कि ये है ना प्रॉब्लम ये है कि हर कोई जैसे वही एक फार्मूला अगर चल गया सो उसमें 100 और फार्मूला की उसी फार्मूले में और फिल्में आ जाती हैं सो उसका एक सैचुरेशन हो जाता है आप कितना देखोगे एक ही स्टोरी को घुमा फिरा करके कितना करोगे सो आई थिंक दैट नीड्स टू पुट अ स्टॉप एंड वी शुड कम एंड एक्सप्लोर मोर वैरायटी और मोर जॉनर ऑफ स्टोरीज करने के लिए बहुत कुछ है बट वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग आई थिंक वो नीड दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड अ बिट आई थिंक हमारी ऑडियंस उस तरह से शायद पसंद कर जाए यू नो तो उस तरह से है वेल मैम टॉकिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए द कल्चर ऑफ इंस्टेंट फेम इज इन ऑल्सो यू नो पीपल ऑफन आर नॉट यू नो वैल्यूइंग द हार्ड वर्क ऑफ योर्स व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस दैट्स ट्रू ये जो भी इंस्टेंट फेम इंस्टेंट जो शुरू हो गया है एवरीथिंग इज़ वेरी इंस्टेंट नाउडेज बिकॉज ऑफ इंस्टा यस 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 सो डू यू थिंक यू नो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया दे गेट इंस्टेंट फेम और नॉट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क यस डेफिनेटली आई डू बिलीव इन दिस दैट टुडे एवरीथिंग गेटिंग नेम एंड फेम इज़ सो ईजी नाउडेज इट्स नॉट एनी मोर हार्ड वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर आई फील आज कोई भी स्टार बन जाता है एनीबडी कैन बिकम अ स्टार For us, जब हम थे तो we actually became stars. We were the stars because we saw those audiences. We were not through Instagram or we were not through any social media. We were for the people. We were through the people, the main audiences. So हम उनके साथ connect होते थे. We saw that kind of audience. We saw that kind of fans and fames. You know, so वो हमारे साथ हमेशा से रहेगा द काइंड ऑफ स्टारडम वी हैव सीन आप जिस तरह से एवरीथिंग इज इंस्टा आप इंस्टेंटली फेम आपको मिल गया अगर आपका दो वीडियोज़ वायरल नहीं हुए पीपल विल फॉरगेट बट इट्स हार्ड फॉर पीपल टू फॉरगेट अस बिकॉज ऑफ द वर्क वी हैव डन बिकॉज ऑफ द जिस तरह से हमने छाप छोड़ी है सबके दिमाग में दिलो दिमाग में सो इट्स हार्ड फॉर पीपल टू फॉरगेट Also, you know, sometimes do you all get offended because of, you know, when you give hard work, when you give your 100%, when you chhap banane ke liye jitna aap log hard work karte ho, itni easy, you know, ye logo ko social media pe fame mil jata hai. Do you get offended sometimes? See, offend to nahi hai, matlab wo log apna kar rahe hain ya that's their career, that's their way of doing. I don't get offended. I get offended when people compare us.
दैट अफेंड्स मी बट एवरी वन इज डिफरेंट लाइक यू कैनॉट कंपेयर समबडीज 20 ईयर्स ऑफ करियर और 25 इवन देर आर सीनियर आर्टिस्ट हु आर सिटिंग एट होम टुडे बिकॉज दे डोंट हैव फॉलोअर्स और दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया सो इट इज बैड ऑन दैट आई गेट ऑफेंडेड विद दैट वेन पीपल बिफोर कास्टिंग मी इफ आई सी फॉर मी आई फील कोई भी रोल को प्ले करने के लिए अगर मैं उस काबिल है तो आप मुझे मेरे टैलेंट के हिसाब से लीजिए इफ आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट रोल प्लीज डोंट कास्ट मी But if I'm capable of doing that role and you're not casting me because someone else has a more followers and will get the followers to watch your show, no, followers don't watch. The people who are on Insta will be only on Insta or on social media. But for acting, for film or for any kind of working like cinema or OTT or something, you need proper actors. You need actors. So cast us on base of our talent, not on the basis of our followers, please. So that offends me when you compare us. Well, ma'am, ab to show khatam ho gaya. What is in pipeline? Also, if you get an opportunity for Big Boss or any reality show like Khatron ke Khiladi, of course I would love to. I mean, pipeline mein to definitely abhi kuch nahi. Just been 2-3 days that we our serial got over. So I'm now taking the opportunity to get ready for the Durga Puja. And talking about reality shows, of course I want to do a reality show. I would love to do I definitely want to experience that. And my favorite reality show is Khatron Ke Khiladi. I love everything about it. The challenges and of course the host, Rohit Shetty. Oh. Well, दुर्गा पूजा नवरात्रि की किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है ये जानना चाहेंगे बंगाली हूँ तो दुर्गा पूजा तो मतलब 2 महीने पहले से हमारे दिमाग में शुरू हो जाता है दुर्गा पूजा आ रहा है एंड लास्ट ईयर मुझे सेलिब्रेट करने का इतना मौका नहीं मिला बिकॉज आई वॉज इन चंडीगढ़ एंड मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आ पाई थी बट इस साल भी मुझे सोचा नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा बट दंगल वालों ने दे दिया मुझे मौका सेलिब्रेट करने का ऑफ कोर्स बिकॉज मेरी पूरी फैमिली यहीं पर होती है एंड इट्स ऑल अबाउट वेयरिंग आर बंगाली साड़ीज गेटिंग रेडी डूइंग पूजा doing everything together, family, the bhog, the pandals and everything. Well, ma'am, lastly, you know, jate jana chahenge, Kolkata mein sabse bade level par banaya jata hai Durga Puja. Whereas this time, because of that rape case, kaha ja raha hai ki bahut sari cheeze restrict ki ja rahi hai. What is your take on this? It is so sad that, you know, West Bengal is going through all these things. I mean, yesterday also I was reading on a newspaper that, you know, ek IAS officer ki biwi ke saath rape hua on a gun point. Where is this heading to? We had never heard anything of that sort of in West Bengal. This kind of incident anywhere in the world is bad. But us wajah se ki, matlab, of course, सी आई थिंक पब्लिक जो है वो दे देमसेल्स आर मॉर्निंग अ बिट कि ये क्या हो रहा है बट क्योंकि आप लोग अपनी चीज़ों को नहीं सुधार पा रहे उस वजह से अगर आप रिस्ट्रिक्शन ला रहे हो दैट इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द विमेन और द पब्लिक दैट आप रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो यू नीड टू सिट डाउन एंड गेट योर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर सो दैट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनी स्टेट गवर्नमेंट एनी country's government to take the responsibility of giving that protection to the women. That if women should feel protected, they should not feel afraid to walk in the night. And आप कभी दुर्गा पूजा अगर आप लोग ने देखा हो कोलकाता में दुर्गा पूजा काली पूजा जैसे यहाँ पर हमारे गणपति में रात रात को ट्रैवल करके पंडालों में जाया जाता है यू नो देखा जाता है हमारे दुर्गा पूजा में भी ठीक वैसा ही होता है जब हर लोग रात रात भर चल चल के यहाँ से वहाँ जाते हैं अगर फैमिली सेफ फील नहीं करेगी तो ऑब्वियसली ऑल दिस विल इफेक्ट आवर सेलिब्रेशंस इट इज़ सो सैड दैट दिस इज़ हैपनिंग इट इज़ सो सैड वेल लास्टली मैम आप जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे बस यही कहूँगी कि आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है इतना सारा प्यार दिया है एंड आई जस्ट विश यू इस तरह से कि आप लोग आई जस्ट विश कि आप लोग मुझे इस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट दें थैंक यू सो मच जाने कैसी है पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्न फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में
कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्न कन्नड़ और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन संतोष आनंद राम ने किया। अब आइए रिव्यू में जाने की डिसेंट बस के तहत तेलुगु में रिलीज हुई इस मास एंटरटेनर फिल्म ने दर्शकों को कितना प्रभावित किया। कहानी में आगे बढ़ते हुए एक लड़की जो गुरुदेव देशमुख के कॉलेज में एक गरीब प्रतिभाशाली छात्रा है, गलती से आत्महत्या कर लेती है। इसके साथ ही गुरुदेव भ्रष्ट शिक्षा मंत्री से लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में अर्जुन प्रकाश राज के साथ खड़े होते हैं। और ऐसे खड़े अर्जुन से उनका क्या रिश्ता है, क्या अर्जुन इस लड़ाई में सफल होगा, उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ेगी, उन्हें जाने का बैकग्राउंड से जुड़ी कोई बात है या नहीं, इसलिए उन्हें ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म में बहुत सारी कमियां और अतार्किक तत्व है। ऐसा लगता है कि पूरी कहानी एक ही हीरो की भूमिका पर केंद्रित है। इसके अलावा एक और बड़ी कमी ये है कि नायिका सायशा और पुनीत के बीच अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें योगदान देने वाले दृश्य अच्छे नहीं है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है और अनावश्यक दृश्य को जोड़ना जो विषय के लिए जरूरी नहीं है एक और उबायु पहलू है। क्लाइमैक्स भी ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। एक और आश्चर्य की बात यह है कि थमन का बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। इसका मतलब है कि बहुत ही अधिक ध्वनि के साथ ये खत्म हो जाता है। ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए तकनीकी श्रेणी में पहली फिल्म है। KGF जैसी ठोस फिल्म देने वाले होमले ने इस फिल्म को उच्च उत्पादन मूल्य भी दिए है। थमन का संगीत कुल मिलाकर इस फिल्म के लिए ठीक है। वेंकटेश अनुराग की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, लेकिन अगर ज्ञानेश मैट का संपादन कार्य बेहतर होता तो सभी अनावश्यक दृश्य कुछ धीमी गति वाले शॉर्ट्स और दूसरे भाग के कुछ दृश्य काट दिए गए होते। जब निर्देशक संतोष की बात आती है तो सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म एक शुद्ध जन मनोरंजन होगी, लेकिन उन्होंने जनता के साथ साथ एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने जो मूल पंक्ति लिखी है वो अच्छी है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे जन तत्व के साथ ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सके। यदि उन्होंने इस व्यवसाय कोण को दूसरे संस्करण में प्रस्तुत किया होता तो आउटपुट अलग हो सकता था। कुल मिलाकर मुख्य किरदार पुनीत ने इस युवरत्न में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उन्होंने हर चीज में अच्छा आउटपुट दिया, जिसमें उनका फुल मास एंगल के साथ साथ एडावर डांस भी शामिल है। साथ ही कई जनतत्व भी अच्छे है, लेकिन ये इस मूवी लाइन के लिए निर्देशक द्वारा की गई संदेश प्रस्तुति के लिए इतने सुविधाजनक नहीं लगते है। जो लोग इन तर्कों से हटकर सामूहिक तत्व चाहते हैं, ये इस फिल्म को एक बार आजमा सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। युवरत्न साउथ की एक ऐसी फिल्म जो स्टूडेंट्स में जोश भर देगा। जाने फिल्म की कहानी, साथ ही जाने फिल्म को फ्री में देखने का तरीका। अर्जुन सातवें सेमेस्टर में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में राष्ट्रकूट विश्वविद्यालय में शामिल होता है। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज खतरे में है। निजी संस्थान इस कॉलेज और अवैध छात्रों की छवि को खराब करने के लिए क्या कर रहे हैं। कॉलेज ज्वाइन करते ही अर्जुन कई लोगों से भिड़ जाता है और ऐसा लगता है जैसा कि वो किसी मिशन पर है, लेकिन ये है कौन। राजकुमार की टीम ने एक बार फिर सुनिश्चित किया कि युवरत्न पर बहुत उम्मीद है। कहानी जो एक कॉलेज परिसर में स्थापित है, बहुत सारे प्रासंगिक मुद्दों पर स्पॉटलाइट डालने की कोशिश करती है, जैसे निजी संस्थान, शिक्षा, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के रूप में पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में बहुत सारे संवादों के साथ जन तत्वों का मिश्रण है जो धार्मिकता का उपदेश देने की कोशिश करते हैं। क्या ये मिश्रण काम करता है? काफी हद तक करता है। युवरत्न की शुरुआत एक मेधावी छात्र की आत्महत्या से होती है, जो पैसे की भूखे व्यापारियों और उसके प्रिंसिपल की दुर्भावना का शिकार होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ये सुख लड़ाई उस बड़े खतरे का प्रतीक है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों पर छाया डालने की कोशिश कर रहे निजी कॉलेजों पर मंडरा रहा है। इस परिदृश्य के बीच में अर्जुन आता है, जो कोर्स के बीच में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में शामिल हो जाता है। वो कौन है, उसका मिशन क्या है, अर्जुन को इस आंदोलन से क्या जोड़ता है,
युवरत्न प्रशंसकों का मनोरंजन करता है और इसमें एक्शन, भावनाओं, कॉमेडी और यहाँ तक कि रोमांस की भी भरपूर खुराक है, जबकि ये ठीक काम करता है। इसके सीजनिंग पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जा सकता था ताकि ये एकदम सही उभर सके। पर्याप्त पात्र है उनमें से अधिकांश के पास करने के लिए कुछ न कुछ है। हालांकि कोई चाहता है कि प्रमुख कलाकारों में से एक या दो की कुछ और भूमिकाएं हो। पावर स्टार के प्रशंसकों के लिए ये एक ट्रीट है क्योंकि ये एक पुनीत राजकुमार शो है। वो अपने मुस्कान के साथ लड़ाई, नृत्य, मुंह की मजबूत रेखाएं और आकर्षण प्राप्त करता है और वो ये सब सहजता से करता है। प्रकाश राज की दूसरी सबसे प्रमुख भूमिका है और वो अपेक्षा के अनुरूप खड़ा है। धनंजय और सही कुमार की मनोरंजन करते हैं, जैसा कि दिगंत मंचले करते हैं। कलाकारों की टुकड़ी में बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, चाहे वो सोनू गोरा हो, सुधरानी, विशाल हेगड़े, अच्युत कुमार या प्रकाश बोयलावाड़ी हो, या ये सभी अपने सीमित साधनों के भीतर काम करते हैं। युवरत्न राजकुमारा की तरह मानवीय मूल्य के बारे में एक कहानी है। हालांकि इस बार पृष्ठभूमि एक कॉलेज परिसर की है। उन लोगों के लिए जो अपने मसाला मनोरंजक पसंद करते हैं, ये निराश नहीं करेगा। फिल्म आपको शिक्षा प्रणाली के खिलाफ कुछ नाटकों की याद दिलाती है, खासकर तमिल सिनेमा में। लेकिन युवरत्न का अभी भी अपना आकर्षण है और अगर आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। जाने कैसी है पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्न। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्न कन्नड़ और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन संतोष आनंद राम ने किया। अब आइए रिव्यू में जाने की डिसेंट बस के तहत तेलुगु में रिलीज हुई इस मास एंटरटेनर फिल्म ने दर्शकों को कितना प्रभावित किया। कहानी में आगे बढ़ते हुए एक लड़की जो गुरुदेव देशमुख के कॉलेज में एक गरीब प्रतिभाशाली छात्रा है, गलती से आत्महत्या कर लेती है। इसके साथ ही गुरुदेव भ्रष्ट शिक्षा मंत्री से लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में अर्जुन प्रकाश राज के साथ खड़े होते हैं। और ऐसे खड़े अर्जुन से उनका क्या रिश्ता है, क्या अर्जुन इस लड़ाई में सफल होगा, उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ेगी, उन्हें जाने का बैकग्राउंड से जुड़ी कोई बात है या नहीं, इसलिए उन्हें ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म में बहुत सारी कमियां और अतार्किक तत्व है। ऐसा लगता है कि पूरी कहानी एक ही हीरो की भूमिका पर केंद्रित है। इसके अलावा एक और बड़ी कमी ये है कि नायिका सायशा और पुनीत के बीच अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें योगदान देने वाले दृश्य अच्छे नहीं है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है और अनावश्यक दृश्य को जोड़ना जो विषय के लिए जरूरी नहीं है एक और उबायु पहलू है। क्लाइमैक्स भी ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। एक और आश्चर्य की बात यह है कि थमन का बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। इसका मतलब है कि बहुत ही अधिक ध्वनि के साथ ये खत्म हो जाता है। ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए तकनीकी श्रेणी में पहली फिल्म है। केजीएफ जैसी ठोस फिल्म देने वाले होमले ने इस फिल्म को उच्च उत्पादन मूल्य भी दिए है। थमन का संगीत कुल मिलाकर इस फिल्म के लिए ठीक है। वेंकटेश अनुराग की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, लेकिन अगर ज्ञानेश मैट का संपादन कार्य बेहतर होता तो सभी अनावश्यक दृश्य कुछ धीमी गति वाले शॉर्ट्स और दूसरे भाग के कुछ दृश्य काट दिए गए होते। जब निर्देशक संतोष की बात आती है तो सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म एक शुद्ध जनरल मनोरंजन होगी, लेकिन उन्होंने जनता के साथ साथ एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने जो मूल पंक्ति लिखी है वो अच्छी है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे जन तत्व के साथ ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सके। यदि उन्होंने इस व्यवसाय कोण को दूसरे संस्करण में प्रस्तुत किया होता तो आउटपुट अलग हो सकता था। कुल मिलाकर मुख्य किरदार पुनीत ने इस युवरत्न में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उन्होंने हर चीज में अच्छा आउटपुट दिया, जिसमें उनका फुल मास एंगल के साथ साथ एडावर डांस भी शामिल है। साथ ही कई जनतत्व भी अच्छे है, लेकिन ये इस मूवी लाइन के लिए निर्देशक द्वारा की गई संदेश प्रस्तुति के लिए इतने सुविधाजनक नहीं लगते है। जो लोग इन तर्कों से हटकर सामूहिक तत्व चाहते हैं, ये इस फिल्म को एक बार आजमा सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।
युवा रत्न साउथ की एक ऐसी फिल्म जो स्टूडेंट्स में जोश भर देगा। जाने फिल्म की कहानी, साथ ही जाने फिल्म को फ्री में देखने का तरीका। अर्जुन सातवें सेमेस्टर में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में राष्ट्रकूट विश्वविद्यालय में शामिल होता है। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज खतरे में है। निजी संस्थान इस कॉलेज और अवैध छात्रों की छवि को खराब करने के लिए क्या कर रहे हैं। कॉलेज ज्वाइन करते ही अर्जुन कई लोगों से भिड़ जाता है और ऐसा लगता है जैसा कि वो किसी मिशन पर है, लेकिन ये है कौन। राजकुमार की टीम ने एक बार फिर सुनिश्चित किया कि युवा रत्ना पर बहुत उम्मीद है। कहानी जो एक कॉलेज परिसर में स्थापित है, बहुत सारे प्रासंगिक मुद्दों पर स्पॉटलाइट डालने की कोशिश करती है, जैसे निजी संस्थान, शिक्षा, भ्रष्टाचार और यहां तक कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के रूप में पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में बहुत सारे संवादों के साथ जन तत्वों का मिश्रण है जो धार्मिकता का उपदेश देने की कोशिश करते हैं। क्या ये मिश्रण काम करता है? काफी हद तक करता है। युवा रत्ना की शुरुआत एक मेधावी छात्र की आत्महत्या से होती है, जो पैसे की भूख के व्यापारियों और उसके प्रिंसिपल की दुर्भावना का शिकार होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ये सुख लड़ाई उस बड़े खतरे का प्रतीक है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों पर छाया डालने की कोशिश कर रहे निजी कॉलेजों पर मंडरा रहा है। इस परिदृश्य के बीच में अर्जुन आता है, जो कोर्स के बीच में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में शामिल हो जाता है। वो कौन है, उसका मिशन क्या है, अर्जुन को इस आंदोलन से क्या जोड़ता है। युवा रत्न प्रशंसकों का मनोरंजन करता है और इसमें एक्शन, भावनाओं, कॉमेडी और यहाँ तक कि रोमांस की भी भरपूर खुराक है, जबकि ये ठीक काम करता है। इसके सीजनिंग पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जा सकता था ताकि ये एकदम सही उभर सके। पर्याप्त पात्र है उनमें से अधिकांश के पास करने के लिए कुछ न कुछ है। हालांकि कोई चाहता है कि प्रमुख कलाकारों में से एक या दो की कुछ और भूमिकाएं हो। पावर स्टार के प्रशंसकों के लिए ये एक ट्रीट है, क्योंकि ये एक पुनीत राजकुमार शो है। वो अपने मुस्कान के साथ लड़ाई, नृत्य, मुंह की मजबूत रेखाएं और आकर्षण प्राप्त करता है और वो ये सब सहजता से करता है। प्रकाश राज की दूसरी सबसे प्रमुख भूमिका है और वो अपेक्षा के अनुरूप खड़ा है। धनंजय और सय कुमार की मनोरंजन करते हैं, जैसा कि दिगंत मंचले करते हैं। कलाकारों की टुकड़ी में बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, चाहे वो सोनू गोरा हो, सुध रानी, विशाल हेगड़े, अच्युत कुमार या प्रकाश बोयलावाड़ी हो, या ये सभी अपने सीमित साधनों के भीतर काम करते हैं। युवा रत्न राजकुमारा की तरह मानवीय मूल्य के बारे में एक कहानी है। हालांकि इस बार पृष्ठभूमि एक कॉलेज परिसर की है, उन लोगों के लिए जो अपने मसाला मनोरंजक पसंद करते हैं, ये निराश नहीं करेगा। फिल्म आपको शिक्षा प्रणाली के खिलाफ कुछ नाटकों की याद दिलाती है, खासकर तमिल सिनेमा में, लेकिन युवा रत्न का अभी भी अपना आकर्षण है। और अगर आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। जाने कैसी है पुनीत राजकुमार की फिल्म युवा रत्न। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार की फिल्म युवा रत्न कन्नड़ और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन संतोष आनंद राम ने किया। अब आइए रिव्यू में जाने की डिसेंट बस के तहत तेलुगु में रिलीज हुई इस मास एंटरटेनर फिल्म ने दर्शकों को कितना प्रभावित किया। कहानी में आगे बढ़ते हुए एक लड़की जो गुरुदेव देशमुख के कॉलेज में एक गरीब प्रतिभाशाली छात्रा है, गलती से आत्महत्या कर लेती है। इसके साथ ही गुरुदेव भ्रष्ट शिक्षा मंत्री से लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में अर्जुन प्रकाश राज के साथ खड़े होते हैं। और ऐसे खड़े अर्जुन से उनका क्या रिश्ता है, क्या अर्जुन इस लड़ाई में सफल होगा, उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ेगी, उन्हें जाने का बैकग्राउंड से जुड़ी कोई बात है या नहीं, इसलिए उन्हें ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म में बहुत सारी कमियां और अतार्किक तत्व है। ऐसा लगता है कि पूरी कहानी एक ही हीरो की भूमिका पर केंद्रित है।
इसके अलावा एक और बड़ी कमी ये है कि नायिका सायशा और पुनीत के बीच अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें योगदान देने वाले दृश्य अच्छे नहीं है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है और अनावश्यक दृश्य को जोड़ना जो विषय के लिए जरूरी नहीं है एक और उबायु पहलू है। क्लाइमैक्स भी ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। एक और आश्चर्य की बात यह है कि थवन का बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। इसका मतलब है कि बहुत ही अधिक ध्वनि के साथ ये खत्म हो जाता है। ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए तकनीकी श्रेणी में पहली फिल्म है। KGF जैसी ठोस फिल्म देने वाले होमले ने इस फिल्म को उच्च उत्पादन मूल्य भी दिए है। थमन का संगीत कुल मिलाकर इस फिल्म के लिए ठीक है। वेंकटेश अनुराग की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, लेकिन अगर ज्ञानेश मैट का संपादन कार्य बेहतर होता तो सभी अनावश्यक दृश्य कुछ धीमी गति वाले शॉर्ट्स और दूसरे भाग के कुछ दृश्य काट दिए गए होते। जब निर्देशक संतोष की बात आती है तो सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म एक शुद्ध जनरल मनोरंजन होगी, लेकिन उन्होंने जनता के साथ साथ एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने जो मूल पंक्ति लिखी है वो अच्छी है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे जन तत्व के साथ ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सके। यदि उन्होंने इस व्यवसाय कोण को दूसरे संस्करण में प्रस्तुत किया होता तो आउटपुट अलग हो सकता था। कुल मिलाकर मुख्य किरदार पुनीत ने इस युवरत्न में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उन्होंने हर चीज में अच्छा आउटपुट दिया, जिसमें उनका फुल मास एंगल के साथ साथ एडावर डांस भी शामिल है। साथ ही कई जनतत्व भी अच्छे है, लेकिन ये इस मूवी लाइन के लिए निर्देशक द्वारा की गई संदेश प्रस्तुति के लिए इतने सुविधाजनक नहीं लगते है। जो लोग इन तर्कों से हटकर सामूहिक तत्व चाहते हैं, ये इस फिल्म को एक बार आजमा सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। युवा रत्न साउथ की एक ऐसी फिल्म जो स्टूडेंट्स में जोश भर देगा। जाने फिल्म की कहानी, साथ ही जाने फिल्म को फ्री में देखने का तरीका। अर्जुन सातवें सेमेस्टर में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में राष्ट्रकूट विश्वविद्यालय में शामिल होता है। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज खतरे में है। निजी संस्थान इस कॉलेज और अवैध छात्रों की छवि को खराब करने के लिए क्या कर रहे हैं। कॉलेज ज्वाइन करते ही अर्जुन कई लोगों से भिड़ जाता है और ऐसा लगता है जैसा कि वो किसी मिशन पर है, लेकिन ये है कौन। राजकुमार की टीम ने एक बार फिर सुनिश्चित किया कि युवरत्ना पर बहुत उम्मीद है। कहानी जो एक कॉलेज परिसर में स्थापित है बहुत सारे प्रासंगिक मुद्दों पर स्पॉटलाइट डालने की कोशिश करती है, जैसे निजी संस्थान, शिक्षा, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के रूप में पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में बहुत सारे संवादों के साथ जन तत्वों का मिश्रण है जो धार्मिकता का उपदेश देने की कोशिश करते हैं। क्या ये मिश्रण काम करता है? काफी हद तक करता है। युवरत्ना की शुरुआत एक मेधावी छात्र की आत्महत्या से होती है, जो पैसे की भूख के व्यापारियों और उसके प्रिंसिपल की दुर्भावना का शिकार होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ये सुख लड़ाई उस बड़े खतरे का प्रतीक है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों पर छाया डालने की कोशिश कर रहे निजी कॉलेजों पर मंडरा रहा है। इस परिदृश्य के बीच में अर्जुन आता है, जो कोर्स के बीच में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में शामिल हो जाता है। वो कौन है, उसका मिशन क्या है, अर्जुन को इस आंदोलन से क्या जोड़ता है। युवरत्न प्रशंसकों का मनोरंजन करता है और इसमें एक्शन, भावनाओं, कॉमेडी और यहाँ तक कि रोमांस की भी भरपूर खुराक है, जबकि ये ठीक काम करता है। इसके सीजनिंग पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जा सकता था ताकि ये एकदम सही उभर सके। पर्याप्त पात्र है उनमें से अधिकांश के पास करने के लिए कुछ न कुछ है। हालांकि कोई चाहता है कि प्रमुख कलाकारों में से एक या दो की कुछ और भूमिकाएं हो। पावर स्टार के प्रशंसकों के लिए ये एक ट्रीट है, क्योंकि ये एक पुनीत राजकुमार शो है। वो अपने मुस्कान के साथ लड़ाई, नृत्य, मुंह की मजबूत रेखाएं और आकर्षण प्राप्त करता है और वो ये सब सहजता से करता है। प्रकाश राज की दूसरी सबसे प्रमुख भूमिका है और वो अपेक्षा के अनुरूप खड़ा है। धनंजय और सय कुमार की मनोरंजन करते हैं, जैसा कि दिगंत मंचले करते हैं। कलाकारों की टुकड़ी में बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, चाहे वो सोनू गोरा हो,
सुधरानी, विशाल हेगड़े, अच्युत कुमार या प्रकाश बोयलावाड़ी हो या ये सभी अपने सीमित साधनों के भीतर काम करते हैं। युवरत्न राजकुमारा की तरह मानवीय मूल्य के बारे में एक कहानी है। हालांकि इस बार पृष्ठभूमि एक कॉलेज परिसर की है, उन लोगों के लिए जो अपने मसाला मनोरंजक पसंद करते हैं, ये निराश नहीं करेगा। फिल्म आपको शिक्षा प्रणाली के खिलाफ कुछ नाटकों की याद दिलाती है, खासकर तमिल सिनेमा में। लेकिन युवरत्न का अभी भी अपना आकर्षण है, और अगर आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। हाय मैम, फर्स्टली वेलकम टू अवर चैनल। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा था और अब ऑफ एयर चला गया, और सबके लिए यू नो शॉकिंग था कि शो अच्छा करते करते टीआरपी भी अच्छी थी और फिर ऑफ एयर हो गया। व्हाट वाज द रीज़न और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इवन आई वांट टू नो द रीज़न, आई डेफिनेटली वांट टू नो द रीज़न, एंड इट्स वेरी हार्ड ब्रेकिंग दैट अनोखा बंधन हैड टू एंड लाइक दैट। हम कोई प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए, कोई भी नहीं, लाइक इवन लाइक फ्रॉम आर प्रोड्यूसर्स टिल द आर्टिस्ट, आर कैमरा डिपार्टमेंट, टेक्नीशियन डिपार्टमेंट, द स्पॉट बॉयज, द लाइट मैन, नो वन वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम सब घर आते हैं दैट टू रिज्यूम टू शूट आफ्टर टू डे, दे हैड सेड दैट हमारे पास काफ़ी सारे बैंक हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि दो दिन का ब्रेक विल टेक एंड विल मेक आगे के प्लॉट्स, आगे का स्टोरी लाइन विल डिसाइड ऑन द स्टोरी बोर्ड एंड विल कम बैक टू वर्क। गुड। एंड आई वॉज फाइटिंग विथ माई EP दैट आई नीड माई छुट्टी फॉर माई दुर्गा पूजा, तो ये सारी उसके साथ फाइटिंग क्या, हमारे इज अ वेरी स्वीट गाय, तो उसके साथ मतलब मैं उसको डांटनी, मुझे छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए, सो ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे। एंड थर्सडे, यस थर्सडे और फ्राइडे, आई थिंक वी वर थर्सडे या फ्राइडे की बात है दैट हम लोग ये ऐसी बातें कर रहे थे। एंड सैटरडे संडे जो हमारा शूटिंग था, छुट्टी थी, एंड मंडे वी वर सपोज टू गो बैक टू वर्क, एंड मंडे वी कम टू नो दैट वी आर नॉट डूइंग इट, दैट्स हाउ इट एंडेड। मतलब मिड वीक वेडनेसडे मैंने वही कहा कि इन माई लाइफ आई हैव नेवर सीन एनी शो गोइंग ऑफ एयर मिड वीक और ऐसे विदाउट एनी क्लोजर, सो आई जस्ट डोंट नो व्हाट हैपेंड। वेल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस और बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, हाउ वाज योर बॉन्ड विद योर को एक्टर्स, और किसे सबसे ज़्यादा यू नो मिस करती हो, जिससे रोज रोज मिलते थे अब नहीं मिल पा रहे? आई थिंक ये हर कोई इस चीज़ को मानेगा दैट अनोखा बंधन हैड द बेस्ट टीम आई हैव वर्कड विद एवर, लाइक बी इट प्रोड्यूसर्स, बी इट आर को एक्टर्स एंड हमारे डायरेक्टर्स, हमारे टेक्नीशियन टीम, हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा हमारे अंदर यूनिटी थी, एंड स्पेशली विद आर को एक्टर्स बॉन्डिंग टुगेदर, हम लोग सब लोग एक साथ, अगर हम लोग का सीन्स नहीं भी होते थे तो हम लोग साथ में होते थे, खाना खाना साथ में, हंसी मजाक करना, चाय पीना, वी ऑल वेर लाइक अ बिग बिग फैमिली। सो आई एम गोइंग टू मिस एवरीथिंग अबाउट अनोखा बंधन, एवरीथिंग, एंड ऑफकोर्स माई बॉन्ड विद ऑल माई को एक्टर्स, एंड स्पेशली आई कॉल हर माई झल्ली, एंड शी इज़ प्रांजलि। सबसे लेट आई हमारे सेट पे इन टर्म्स ऑफ हमारे एक्टर्स टीम में, बट उसके साथ एक अलग ही बॉन्ड बन गया था मेरा, इट वॉज अ डिफरेंट बॉन्ड विद हर, शी वॉज सो रियल, शी वॉज सो ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ, ऑलवेज मेड मी लाफ, एंड द वे शी वॉज यू नो, तो मुझे उसका, वी जस्ट कनेक्टेड इंस्टेंटली, देर वॉज नो ट्राइंग फॉर इट, आई मिस हर द मोस्ट, एंड ऑफकोर्स अल्तमश एंड सो मेनी ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। मैम, यू नो आपने बहुत सारी मूवीज़ की है, स्पेशली मैं बात करूँ भोजपुरी, तेलुगु भी आपने किया है, नाउ हिंदी इंडस्ट्री, व्हाट ऑल डिफरेंसेस यू हैव सीन और व्हाट ऑल चैलेंजेस यू हैव फेस्ड? यस, आई स्टार्टेड ऑफ विद हिंदी फिल्म, माय फर्स्ट फिल्म इज़ भारत भाग्य विदाता, आई डिड बंगाली फिल्म, आई डिड तेलुगु फिल्म, आई डिड भोजपुरी, ऑफकोर्स आई एम स्टिल डूइंग, एंड हिंदी सीरियल्स एंड एवरीथिंग। चैलेंजेस, सी हर इंडस्ट्री की अपनी चैलेंज है, हर फिल्म, हर एक फिल्म का रोज बनना ही और उसका एक शूट करना ही अपने में एक चैलेंज होता है, सो चैलेंजेस आर देयर इन एवरी जॉनर।
ये है कि तेलुगु इंडस्ट्री दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दे आर वेरी मच इन टाइम लाइक दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग दैट आपका इतने बजे शूटिंग शुरू होगी इतने बजे ख़त्म होगा सो उसके बियॉन्ड कुछ नहीं जो भी करना है आपको ये 12 आवर्स में करना है 7 to 7 9 to 9 और वट एवर तो दे आर वेरी पर्टिकुलर बट टाइमिंग एंड भोजपुरी इज़ अगेन जस्ट लाइक अपना हिंदी थोड़ा सा लग्जरी लेट बैक ये वो सीरियल में आपके पास आई थिंक इट्स मोस्ट चैलेंजिंग बिकॉज आपको हर दिन शूट करना है यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज आपके पास हर किसी के पास यहाँ टाइम बहुत कम होता है बिकॉज वी हैव टू डिलीवर आर टेलीकास्ट तो इस वजह से हमारे पास आपको अच्छा चीज़ आपको इंस्टेंटली देना है आपको बहुत ज़्यादा आप रिटेक्स नहीं ले सकते बिकॉज टाइम नहीं है उतना सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम आई फील दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर आर टी वी इंडस्ट्री वेल मैम अगर मैं भोजपुरी की बात करूँ सो डू यू फील लाइक भोजपुरी और टी वी अभी जिस तरह आपने किया यू नो मेंशन किए कि सिमिलर है ऑलमोस्ट सो डू यू थिंक लाइक एवरीथिंग इज सिमिलर और यू नो देर आर डिफरेंसेस लैंग्वेज इज द डिफरेंस यस अदरवाइज अब अदरवाइज सी लैंग्वेज इज़ डिफरेंट ऑफकोर्स बट मुझे ऐसा लगता है कि अब जो भोजपुरी में जो टी वी बिकॉज बहुत सारे टी वी चैनल्स आ चुके हैं भोजपुरी में जो बहुत अच्छी बात है अब उस वजह से हुआ क्या जैसे कभी कभी थोड़ी सी अजीब और गरीब फिल्में बन रही थी बीच में नो एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट इट एंड वो सारी चीज़ें हट गई हैं भोजपुरी में विच इज़ वेरी गुड बिकॉज ऑफ द टी वी मीडियम एंड बिकॉज अभी हमारी फैमिलीज जो धीरे धीरे भोजपुरी से चली गई थी वो दोबारा जुड़ गई है भोजपुरी इंडस्ट्री से बिकॉज हमने वैसी फिल्में बनाना शुरू कर दी लेडीज़ ओरिएंटेड फिल्में बनाना शुरू कर दी वी स्टार्टेड मेकिंग स्टोरी फिल्में बट होता क्या है कि ये है ना प्रॉब्लम ये है कि हर कोई जैसे वही एक फार्मूला अगर चल गया सो उसमें 100 और फार्मूला की उसी फार्मूले में और फिल्में आ जाती हैं सो उसका एक सैचुरेशन हो जाता है आप कितना देखोगे एक ही स्टोरी को घुमा फिरा करके कितना करोगे सो आई थिंक दैट नीड्स टू पुट अ स्टॉप एंड वी शुड कम एंड एक्सप्लोर मोर वैरायटी और मोर जॉनर ऑफ स्टोरीज करने के लिए बहुत कुछ है बट वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग आई थिंक वो नीड दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड अ बिट आई थिंक हमारी ऑडियंस उस तरह से शायद पसंद कर जाए यू नो तो उस तरह से है वेल मैम टॉकिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए द कल्चर ऑफ इंस्टेंट फेम इज इन ऑल्सो यू नो पीपल ऑफन आर नॉट यू नो वैल्यूइंग द हार्ड वर्क ऑफ योर्स व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस दैट्स ट्रू ये जो भी इंस्टेंट फेम इंस्टेंट जो शुरू हो गया है एवरीथिंग इज़ वेरी इंस्टेंट नाउडेज बिकॉज ऑफ इंस्टा यस 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 सो डू यू थिंक यू नो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया दे गेट इंस्टेंट फेम और नॉट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क यस डेफिनेटली आई डू बिलीव इन दिस दैट टुडे एवरीथिंग गेटिंग नेम एंड फेम इज़ सो ईजी नाउडेज इट्स नॉट एनी मोर हार्ड वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर आई फील आज कोई भी स्टार बन जाता है एनीबडी कैन बिकम अ स्टार For us, जब हम थे तो we actually became stars. We were the stars because we saw those audiences. We were not through Instagram or we were not through any social media. We were for the people. We were through the people, the main audiences. So हम उनके साथ connect होते थे. We saw that kind of audience. We saw that kind of fans and fames. You know, so वो हमारे साथ हमेशा से रहेगा द काइंड ऑफ स्टारडम वी हैव सीन आप जिस तरह से एवरीथिंग इज इंस्टा आप इंस्टेंटली फेम आपको मिल गया अगर आपका दो वीडियोज़ वायरल नहीं हुए पीपल विल फॉरगेट बट इट्स हार्ड फॉर पीपल टू फॉरगेट अस बिकॉज ऑफ द वर्क वी हैव डन बिकॉज ऑफ द जिस तरह से हमने छाप छोड़ी है सबके दिमाग में दिलो दिमाग में सो इट्स हार्ड फॉर पीपल टू फॉरगेट Also, you know, sometimes do you all get offended because of, you know, when you give hard work, when you give your 100%, when you chhap banane ke liye jitna aap log hard work karte ho, itni easy, you know, ye logo ko social media pe fame mil jata hai. Do you get offended sometimes? See, offend to nahi hai, matlab wo log apna kar rahe hain ya that's their career, that's their way of doing. I don't get offended. I get offended when people compare us.
दैट अफेंड्स मी बट एवरी वन इज डिफरेंट लाइक यू कैनॉट कंपेयर समबडीज 20 ईयर्स ऑफ करियर और 25 इवन देर आर सीनियर आर्टिस्ट हु आर सिटिंग एट होम टुडे बिकॉज दे डोंट हैव फॉलोअर्स और दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया सो इट इज बैड ऑन दैट आई गेट ऑफेंडेड विद दैट वेन पीपल बिफोर कास्टिंग मी इफ आई सी फॉर मी आई फील कोई भी रोल को प्ले करने के लिए अगर मैं उस काबिल है तो आप मुझे मेरे टैलेंट के हिसाब से लीजिए इफ आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट रोल प्लीज डोंट कास्ट मी But if I'm capable of doing that role and you're not casting me because someone else has a more followers and will get the followers to watch your show, no, followers don't watch. The people who are on Insta will be only on Insta or on social media. But for acting, for film or for any kind of working like cinema or OTT or something, you need proper actors. You need actors. So cast us on base of our talent, not on the basis of our followers, please. So that offends me when you compare us. Well, ma'am, ab to show khatam ho gaya. What is in pipeline? Also, if you get an opportunity for Big Boss or any reality show like Khatron Ke Khiladi, of course I would love to. I mean, pipeline mein to definitely abhi kuch nahi. Just been 2-3 days that we our serial got over. So I'm now taking the opportunity to get ready for the Durga Puja. And talking about reality shows, of course I want to do a reality show. I would love to do I definitely want to experience that. And my favorite reality show is Khatron Ke Khiladi. I love everything about it. The challenges and of course the host, Rohit Shetty. Oh. Well, दुर्गा पूजा नवरात्रि की किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है ये जानना चाहेंगे बंगाली हूँ तो दुर्गा पूजा तो मतलब 2 महीने पहले से हमारे दिमाग में शुरू हो जाता है दुर्गा पूजा आ रहा है एंड लास्ट ईयर मुझे सेलिब्रेट करने का इतना मौका नहीं मिला बिकॉज आई वॉज इन चंडीगढ़ एंड मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आ पाई थी बट इस साल भी मुझे सोचा नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा बट दंगल वालों ने दे दिया मुझे मौका सेलिब्रेट करने का ऑफ कोर्स बिकॉज मेरी पूरी फैमिली यहीं पर होती है एंड इट्स ऑल अबाउट वेयरिंग आर बंगाली साड़ीज गेटिंग रेडी डूइंग पूजा doing everything together, family, the bhog, the pandals and everything. Well, ma'am, lastly, you know, jate jana chahenge, Kolkata mein sabse bade level par banaya jata hai Durga Puja. Whereas this time, because of that rape case, kaha ja raha hai ki bahut sari cheeze restrict ki ja rahi hai. What is your take on this? It is so sad that, you know, West Bengal is going through all these things. I mean, yesterday also I was reading on a newspaper that, you know, ek IAS officer ki biwi ke saath rape hua on a gun point. Where is this heading to? We had never heard anything of that sort of in West Bengal. This kind of incident anywhere in the world is bad. But us wajah se ki, matlab, of course, सी आई थिंक पब्लिक जो है वो दे देमसेल्स आर मॉर्निंग अ बिट कि ये क्या हो रहा है बट क्योंकि आप लोग अपनी चीज़ों को नहीं सुधार पा रहे उस वजह से अगर आप रिस्ट्रिक्शन ला रहे हो दैट इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द विमेन और द पब्लिक दैट आप रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो यू नीड टू सिट डाउन एंड गेट योर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर सो दैट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनी स्टेट गवर्नमेंट एनी country's government to take the responsibility of giving that protection to the women. That if women should feel protected, they should not feel afraid to walk in the night. And आप कभी दुर्गा पूजा अगर आप लोग ने देखा हो कोलकाता में दुर्गा पूजा काली पूजा जैसे यहाँ पर हमारे गणपति में रात रात को ट्रैवल करके पंडालों में जाया जाता है यू नो देखा जाता है हमारे दुर्गा पूजा में भी ठीक वैसा ही होता है जब लोग रात रात भर चल चल के यहाँ से वहाँ जाते हैं अगर फैमिली सेफ फील नहीं करेगी तो ऑब्वियसली ऑल दिस विल इफेक्ट आवर सेलिब्रेशंस इट इज़ सो सैड दैट दिस इज़ हैपनिंग इट इज़ सो सैड वेल लास्टली मैम आप जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे बस यही कहूँगी कि आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है इतना सारा प्यार दिया है एंड आई जस्ट विश यू इस तरह से कि आप लोग आई जस्ट विश कि आप लोग मुझे इस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट दें थैंक यू सो मच जाने कैसी है पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्न फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में
कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्न कन्नड़ और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन संतोष आनंद राम ने किया। अब आइए रिव्यू में जाने की डिसेंट बस के तहत तेलुगु में रिलीज हुई इस मास एंटरटेनर फिल्म ने दर्शकों को कितना प्रभावित किया। कहानी में आगे बढ़ते हुए एक लड़की जो गुरुदेव देशमुख के कॉलेज में एक गरीब प्रतिभाशाली छात्रा है, गलती से आत्महत्या कर लेती है। इसके साथ ही गुरुदेव भ्रष्ट शिक्षा मंत्री से लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में अर्जुन प्रकाश राज के साथ खड़े होते हैं। और ऐसे खड़े अर्जुन से उनका क्या रिश्ता है, क्या अर्जुन इस लड़ाई में सफल होगा, उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ेगी, उन्हें जाने का बैकग्राउंड से जुड़ी कोई बात है या नहीं, इसलिए उन्हें ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म में बहुत सारी कमियां और अतार्किक तत्व है। ऐसा लगता है कि पूरी कहानी एक ही हीरो की भूमिका पर केंद्रित है। इसके अलावा एक और बड़ी कमी ये है कि नायिका सायशा और पुनीत के बीच अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें योगदान देने वाले दृश्य अच्छे नहीं है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है और अनावश्यक दृश्य को जोड़ना जो विषय के लिए जरूरी नहीं है एक और उबायु पहलू है। क्लाइमैक्स भी ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। एक और आश्चर्य की बात यह है कि थमन का बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। इसका मतलब है कि बहुत ही अधिक ध्वनि के साथ ये खत्म हो जाता है। ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए तकनीकी श्रेणी में पहली फिल्म है। KGF जैसी ठोस फिल्म देने वाले होमले ने इस फिल्म को उच्च उत्पादन मूल्य भी दिए है। थमन का संगीत कुल मिलाकर इस फिल्म के लिए ठीक है। वेंकटेश अनुराग की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, लेकिन अगर ज्ञानेश मैट का संपादन कार्य बेहतर होता तो सभी अनावश्यक दृश्य कुछ धीमी गति वाले शॉर्ट्स और दूसरे भाग के कुछ दृश्य काट दिए गए होते। जब निर्देशक संतोष की बात आती है तो सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म एक शुद्ध जनरल मनोरंजन होगी, लेकिन उन्होंने जनता के साथ साथ एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने जो मूल पंक्ति लिखी है वो अच्छी है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे जन तत्व के साथ ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सके। यदि उन्होंने इस व्यवसाय कोण को दूसरे संस्करण में प्रस्तुत किया होता तो आउटपुट अलग हो सकता था। कुल मिलाकर मुख्य किरदार पुनीत ने इस युवरत्न में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उन्होंने हर चीज में अच्छा आउटपुट दिया, जिसमें उनका फुल मास एंगल के साथ साथ एडावर डांस भी शामिल है। साथ ही कई जनतत्व भी अच्छे है, लेकिन ये इस मूवी लाइन के लिए निर्देशक द्वारा की गई संदेश प्रस्तुति के लिए इतने सुविधाजनक नहीं लगते है। जो लोग इन तर्कों से हटकर सामूहिक तत्व चाहते हैं, ये इस फिल्म को एक बार आजमा सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। युवरत्न साउथ की एक ऐसी फिल्म जो स्टूडेंट्स में जोश भर देगा। जाने फिल्म की कहानी, साथ ही जाने फिल्म को फ्री में देखने का तरीका। अर्जुन सातवें सेमेस्टर में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में राष्ट्रकूट विश्वविद्यालय में शामिल होता है। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज खतरे में है। निजी संस्थान इस कॉलेज और अवैध छात्रों की छवि को खराब करने के लिए क्या कर रहे हैं। कॉलेज ज्वाइन करते ही अर्जुन कई लोगों से भिड़ जाता है और ऐसा लगता है जैसा कि वो किसी मिशन पर है, लेकिन ये है कौन। राजकुमार की टीम ने एक बार फिर सुनिश्चित किया कि युवरत्न पर बहुत उम्मीद है। कहानी जो एक कॉलेज परिसर में स्थापित है, बहुत सारे प्रासंगिक मुद्दों पर स्पॉटलाइट डालने की कोशिश करती है, जैसे निजी संस्थान, शिक्षा, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के रूप में पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में बहुत सारे संवादों के साथ जन तत्वों का मिश्रण है जो धार्मिकता का उपदेश देने की कोशिश करते हैं। क्या ये मिश्रण काम करता है? काफी हद तक करता है। युवरत्न की शुरुआत एक मेधावी छात्र की आत्महत्या से होती है, जो पैसे की भूखे व्यापारियों और उसके प्रिंसिपल की दुर्भावना का शिकार होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ये सुख लड़ाई उस बड़े खतरे का प्रतीक है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों पर छाया डालने की कोशिश कर रहे निजी कॉलेजों पर मंडरा रहा है। इस परिदृश्य के बीच में अर्जुन आता है, जो कोर्स के बीच में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में शामिल हो जाता है। वो कौन है, उसका मिशन क्या है, अर्जुन को इस आंदोलन से क्या जोड़ता है,
युवरत्न प्रशंसकों का मनोरंजन करता है और इसमें एक्शन, भावनाओं, कॉमेडी और यहाँ तक कि रोमांस की भी भरपूर खुराक है, जबकि ये ठीक काम करता है। इसके सीजनिंग पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जा सकता था ताकि ये एकदम सही उभर सके। पर्याप्त पात्र है, उनमें से अधिकांश के पास करने के लिए कुछ न कुछ है। हालांकि कोई चाहता है कि प्रमुख कलाकारों में से एक या दो की कुछ और भूमिकाएं हो। पावर स्टार के प्रशंसकों के लिए ये एक ट्रीट है क्योंकि ये एक पुनीत राजकुमार शो है। वो अपने मुस्कान के साथ लड़ाई, नृत्य, मुंह की मजबूत रेखाएं और आकर्षण प्राप्त करता है और वो ये सब सहजता से करता है। प्रकाश राज की दूसरी सबसे प्रमुख भूमिका है और वो अपेक्षा के अनुरूप खड़ा है। धनंजय और सही कुमार की मनोरंजन करते हैं, जैसा कि दिगंत मंचले करते हैं। कलाकारों की टुकड़ी में बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, चाहे वो सोनू गोरा हो, सुधरानी, विशाल हेगड़े, अच्युत कुमार या प्रकाश बोयलावाड़ी हो, या ये सभी अपने सीमित साधनों के भीतर काम करते हैं। युवरत्न राजकुमारा की तरह मानवीय मूल्य के बारे में एक कहानी है। हालांकि इस बार पृष्ठभूमि एक कॉलेज परिसर की है, उन लोगों के लिए जो अपने मसाला मनोरंजक पसंद करते हैं, ये निराश नहीं करेगा। फिल्म आपको शिक्षा प्रणाली के खिलाफ कुछ नाटकों की याद दिलाती है, खासकर तमिल सिनेमा में। लेकिन युवरत्न का अभी भी अपना आकर्षण है और अगर आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। जाने कैसी है पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्न। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार की फिल्म युवरत्न कन्नड़ और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन संतोष आनंद राम ने किया। अब आइए रिव्यू में जाने की डिसेंट बस के तहत तेलुगु में रिलीज हुई इस मास एंटरटेनर फिल्म ने दर्शकों को कितना प्रभावित किया। कहानी में आगे बढ़ते हुए एक लड़की जो गुरुदेव देशमुख के कॉलेज में एक गरीब प्रतिभाशाली छात्रा है, गलती से आत्महत्या कर लेती है। इसके साथ ही गुरुदेव भ्रष्ट शिक्षा मंत्री से लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में अर्जुन प्रकाश राज के साथ खड़े होते हैं। और ऐसे खड़े अर्जुन से उनका क्या रिश्ता है, क्या अर्जुन इस लड़ाई में सफल होगा, उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ेगी, उन्हें जाने का बैकग्राउंड से जुड़ी कोई बात है या नहीं, इसलिए उन्हें ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म में बहुत सारी कमियां और अतार्किक तत्व है। ऐसा लगता है कि पूरी कहानी एक ही हीरो की भूमिका पर केंद्रित है। इसके अलावा एक और बड़ी कमी ये है कि नायिका सायशा और पुनीत के बीच अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें योगदान देने वाले दृश्य अच्छे नहीं है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है और अनावश्यक दृश्य को जोड़ना जो विषय के लिए जरूरी नहीं है एक और उबायु पहलू है। क्लाइमैक्स भी ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। एक और आश्चर्य की बात यह है कि थमन का बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। इसका मतलब है कि बहुत ही अधिक ध्वनि के साथ ये खत्म हो जाता है। ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए तकनीकी श्रेणी में पहली फिल्म है। केजीएफ जैसी ठोस फिल्म देने वाले होमले ने इस फिल्म को उच्च उत्पादन मूल्य भी दिए है। थमन का संगीत कुल मिलाकर इस फिल्म के लिए ठीक है। वेंकटेश अनुराग की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, लेकिन अगर ज्ञानेश मैट का संपादन कार्य बेहतर होता तो सभी अनावश्यक दृश्य कुछ धीमी गति वाले शॉर्ट्स और दूसरे भाग के कुछ दृश्य काट दिए गए होते। जब निर्देशक संतोष की बात आती है तो सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म एक शुद्ध जन मनोरंजन होगी, लेकिन उन्होंने जनता के साथ साथ एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने जो मूल पंक्ति लिखी है वो अच्छी है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे जन तत्व के साथ ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सके। यदि उन्होंने इस व्यवसाय कोण को दूसरे संस्करण में प्रस्तुत किया होता तो आउटपुट अलग हो सकता था। कुल मिलाकर मुख्य किरदार पुनीत ने इस युवरत्न में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उन्होंने हर चीज में अच्छा आउटपुट दिया, जिसमें उनका फुल मास एंगल के साथ साथ एडावर डांस भी शामिल है। साथ ही कई जनतत्व भी अच्छे है, लेकिन ये इस मूवी लाइन के लिए निर्देशक द्वारा की गई संदेश प्रस्तुति के लिए इतने सुविधाजनक नहीं लगते है। जो लोग इन तर्कों से हटकर सामूहिक तत्व चाहते हैं, ये इस फिल्म को एक बार आजमा सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।
युवा रत्न साउथ की एक ऐसी फिल्म जो स्टूडेंट्स में जोश भर देगा। जाने फिल्म की कहानी, साथ ही जाने फिल्म को फ्री में देखने का तरीका। अर्जुन सातवें सेमेस्टर में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में राष्ट्रकूट विश्वविद्यालय में शामिल होता है। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज खतरे में है। निजी संस्थान इस कॉलेज और अवैध छात्रों की छवि को खराब करने के लिए क्या कर रहे हैं। कॉलेज ज्वाइन करते ही अर्जुन कई लोगों से भिड़ जाता है और ऐसा लगता है जैसा कि वो किसी मिशन पर है, लेकिन ये है कौन। राजकुमार की टीम ने एक बार फिर सुनिश्चित किया कि युवा रत्ना पर बहुत उम्मीद है। कहानी जो एक कॉलेज परिसर में स्थापित है, बहुत सारे प्रासंगिक मुद्दों पर स्पॉटलाइट डालने की कोशिश करती है, जैसे निजी संस्थान, शिक्षा, भ्रष्टाचार और यहां तक कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के रूप में पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में बहुत सारे संवादों के साथ जन तत्वों का मिश्रण है जो धार्मिकता का उपदेश देने की कोशिश करते हैं। क्या ये मिश्रण काम करता है? काफी हद तक करता है। युवा रत्ना की शुरुआत एक मेधावी छात्र की आत्महत्या से होती है, जो पैसे की भूखे व्यापारियों और उसके प्रिंसिपल की दुर्भावना का शिकार होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ये सुख लड़ाई उस बड़े खतरे का प्रतीक है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों पर छाया डालने की कोशिश कर रहे निजी कॉलेजों पर मंडरा रहा है। इस परिदृश्य के बीच में अर्जुन आता है, जो कोर्स के बीच में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में शामिल हो जाता है। वो कौन है, उसका मिशन क्या है, अर्जुन को इस आंदोलन से क्या जोड़ता है। युवा रत्न प्रशंसकों का मनोरंजन करता है और इसमें एक्शन, भावनाओं, कॉमेडी और यहाँ तक कि रोमांस की भी भरपूर खुराक है, जबकि ये ठीक काम करता है। इसके सीजनिंग पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जा सकता था ताकि ये एकदम सही उभर सके। पर्याप्त पात्र है उनमें से अधिकांश के पास करने के लिए कुछ न कुछ है। हालांकि कोई चाहता है कि प्रमुख कलाकारों में से एक या दो की कुछ और भूमिकाएं हो। पावर स्टार के प्रशंसकों के लिए ये एक ट्रीट है, क्योंकि ये एक पुनीत राजकुमार शो है। वो अपने मुस्कान के साथ लड़ाई, नृत्य, मुंह की मजबूत रेखाएं और आकर्षण प्राप्त करता है और वो ये सब सहजता से करता है। प्रकाश राज की दूसरी सबसे प्रमुख भूमिका है और वो अपेक्षा के अनुरूप खड़ा है। धनंजय और सय कुमार की मनोरंजन करते हैं, जैसा कि दिगंत मंचले करते हैं। कलाकारों की टुकड़ी में बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, चाहे वो सोनू गोरा हो, सुध रानी, विशाल हेगड़े, अच्युत कुमार या प्रकाश बोयलावाड़ी हो, या ये सभी अपने सीमित साधनों के भीतर काम करते हैं। युवा रत्न राजकुमारा की तरह मानवीय मूल्य के बारे में एक कहानी है। हालांकि इस बार पृष्ठभूमि एक कॉलेज परिसर की है, उन लोगों के लिए जो अपने मसाला मनोरंजक पसंद करते हैं, ये निराश नहीं करेगा। फिल्म आपको शिक्षा प्रणाली के खिलाफ कुछ नाटकों की याद दिलाती है, खासकर तमिल सिनेमा में, लेकिन युवा रत्न का अभी भी अपना आकर्षण है। और अगर आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। So, hi, Paulmi. Welcome to our channel. Hello. Thank you so much for having me today. Paulmi, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, how's life after Big Boss? क्या कुछ changes है? और work-wise कितना, you know, graph change हुआ है? After Big Boss, I think हो गया. बहुत time हो गया Big Boss को खत्म हुए. I think हो गया 2 महीने. तो I think life is go back to the normal phase, जहाँ पे बहुत सारी आदत चीज़ें होती हैं, family होती है, काम होता है, सब कुछ बैक टू द नॉर्मल फेज अभी चल गया है। पर द वन थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट आफ्टर बिग बॉस कि रिकग्नाइजेशन जो एक होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड बॉम्बे में मैं पहले भी बोला था कि बॉम्बे में कोई किसी को पहचानता नहीं है, बिकॉज हम इतने ज़्यादा यूज टू होते हैं लोगों को देखने में, तो नो वन रियली रिकग्नाइज यू, इवन यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। बट आफ्टर बिग बॉस जब मैं रास्ते में भी अगर जाती हूँ तो देर आर पीपल लाइक, ओह, यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम बिग बॉस एंड वी सॉ यू देयर एंड we really loved you, we really encouraged you, और हमने आपके लिए वोट भी किया था, तो it's a very nice thing to hear in Bombay. Well, आप किस तरह का अभी काम देख रहे हैं? Like, are you open for TV or OTT or Bollywood? I love TV. I started with TV. अगर शायद TV अगर नहीं होता तो जो भी मैं सीख पाई थी बहुत कम टाइम में वो शायद नहीं हो पाता, तो I love TV. I would love to work in TV.
बट एट द सेम टाइम मैंने कभी मूवीज नहीं की है, तो आई वॉन्ट टू डू फिल्म इन बिग बैनर फिल्म होती है, जो अच्छी फिल्म होती है थिएटर रिलीज में या ओ टी टी रिलीज में, डजंट मैटर, बट आई वॉन्ट टू डू फिल्म राइट नाउ. Okay, so yeah. Are you auditioning something? I am. I think हमारे actors की life में if we work for like 100 days, rest I think 265 days we spend in auditions. Yeah. तो audition रोज चलता है. Well, Paulumi, आपने पहले भी shows किए हैं. हाँ जी. But you know recognition जिस तरह अभी आपने mention किया वो नहीं मिला. और कह सकते हैं Big Boss से आपको मिला. और अगर आपको you know क्या ऐसे काम यू नो क्या ऐसी चीज़ है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ से सबको रिकग्नाइजेशन मिलने लग गया है. हाउ डू यू टेक इट, इन अ पॉजिटिव वे सोशल मीडिया और अ नेगेटिव वे? वेल, सोशल मीडिया हैज़ टू साइड्स, विच कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती है जो हम देखना नहीं चाहते हैं. बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी लोगों को भी अटेंशन मिलना चाहिए, मिल रहा है, जिनको नहीं होना चाहिए वहाँ पर. There are a lot of people जो talented है, they're much more talented, they have done so many good things, उनको recognition नहीं मिलता क्योंकि वो गंदे वाले content. ये नहीं content नहीं डालते. तो I think that's the but at the same time social media की वजह से हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम highlight कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं, because सबके हाथ में phone है, तो everybody knows what's happening around. तो I think this both sides are there, which is good. And which is also bad at the same time. Well, Big Boss आ रहा है. हाँ. क्या कहना चाहूँगी? If you get an opportunity now. अभी तो हो गया है. I'm not going to Big Boss. No. No. Why? Any reason? अभी ये वाले पे नहीं जा रही हूँ. अभी because it's a very new thing. It's a very like अभी खत्म हुआ है मेरा वाला. तो I think they also need new contestants. जिसके साथ वो लोग और भी ज़्यादा मतलब जो खेल पाए, ये कर पाए. तो आई थिंक मेरा अभी ख़त्म हुआ है, सो इट्स टू न्यू टू गो बैक टू दैट हाउस, बट आई डोंट माइंड गोइंग बैक देयर अगेन, बट इन द फ्यूचर, नॉट राइट नाउ. वेल, कौन सा रियलिटी शो आप यू नो अब करना पसंद करेंगे? आर यू ओपन फॉर खतरों के खिलाड़ी? यस, आई लव खतरों के खिलाड़ी. आई थिंक दैट्स द ओनली, आई लव एनिमल्स, आई लव रेप्टाइल्स, आई लव थिंग्स दैट प्रोबेबली डिस्गस्टिंग फॉर यू, आई लव इट. Thankfully, वहाँ पे इंसानों के साथ नहीं खेलना पड़ता है. अभी recently, you know, कल की मैं बात करूँ, करणवीर मेरा, he is the winner of खतरों के खिलाड़ी 14. So did you saw this season or not? No. No? Nobody was your friend from the season? नहीं, ये वाले season में मैं किसी को जानती नहीं थी. Okay. मतलब no, no one. So that's why I think मैंने फॉलो भी नहीं किया था, कि कभी कभार दोस्त जाते तो उनके लिए आप देख लेते हो. बट आई रियली जेन्युइनली लव खतरों के खिलाड़ी, एंड इतने सालों से चल रहा है, एंड आर डियर होस्ट रोहित सर इज टू गुड, सो आई थिंक दैट्स द वन शो आई वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर. वेल, फॉलो मी, यू नो जब आप बिग बॉस में गए थे, आपने एक स्टेटमेंट दिया था, यू नो आप एक जन को प्रूव करने के लिए बिग बॉस करने आई हो. रिसेंटली आप जब मनीषा कटवानी की बर्थडे में स्पॉट हुई थी, देयर वाज अ गाय, सो सब लोग यू नो ये बोल रहे हैं कि कहीं ना आपके बॉयफ्रेंड तो नहीं, सो यू नो वी वुड लाइक टू नो, लाइक हाउ डिड यू नो दैट? आई स्पेसिफिकली थॉट दैट आई डिड नॉट मेक दैट थिंग ऑब्वियस. हाउ डिड यू नो? सो he's not the same guy. Okay. Definitely not. But he's not from the industry, of course, and he does not want to come in the limelight, and that's why I keep him always separate. So kabhi isliye kisi ne bulaya tha to maine bola tha he's not my guest. Yeah. He's not my guest, he's Manisha's guest, but I don't like to keep I like to keep my private life private. Okay. बाकी तो 80% सब लोगों के लिए ही है, 20% तो अपने लिए रख लो यार. Exactly, right. Well, you know, बहुत सारी चीजें थी. I wonder how do you know that? Yeah. Well, follow me, आपने बहुत सारी चीजें और भी कही थी, you know, dark skins को लेकर आपको काम में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही थी. Is it same now also? I think dark skin का मुझे काम में problem, I don't think मुझे उतना आया है जितना I think लोगों के सोच में है. People, I think they need to grow up, they need to evolve their thinking. ये कोई ऐसा color नहीं है. बहुत लोग मुझे बोलते हैं, you are you from South Africa? Are you dumb?
आई मीन दिस इज अ ब्राउन स्किन आई थिंक मेजोरिटी ऑफ इंडियन पीपल नॉट ओनली वुमेन मेजोरिटी ऑफ इंडियन पीपल हैव गॉट दिस कलर दे हैव दिस कलर करेक्ट किसी का थोड़ा ज्यादा सांवला होता है किसी का कम होता है हमारे यहाँ पे कोई गोरे नहीं है नो वन्स वाइट सब ब्राउन है एंड यू हैव नो आइडिया पीपल एंड सब मुझे बोलते पॉलोमी तुम हर बार कलर को लेके इतना क्यों मुद्दा बनाती हो बिकॉज दैट्स अ प्रॉब्लम आप वही सेम चीज अगर मैं सोशल मीडिया पे डालूं देयर विल बी एटलीस्ट 50 ऑफ देम जो मुझे मेरे कलर को लेके काली ये वो सब कुछ बोलना शुरू करेंगे और वहां पे 25 लोग यहाँ पे हो गए ये बार बार कलर को लेके बोलते तो तुम अंधे हो तुम्हें दिखाई नहीं देता कि लोगों को प्रॉब्लम है इस कलर से और क्यों है मुझे समझ में नहीं आता है बिकॉज इट्स अ ब्राउन स्किन इट्स एन इंडियन स्किन आई एम नॉट फ्रॉम अफ्रीका Africans are black. उनका कलर अलग है हमारे से उनका melanin बहुत ज्यादा होता है तो their skin tone is way different than us. We are brown. We are not white. And that's so, मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता मुझे कभी कभी लगता है ना सिर्फ पढ़ाई हो अपब्रिंगिंग हो उसमें नहीं I mean, एक जो सोच होती है ना वो लोगों को चेंज करना बहुत जरूरी है हो सकता है आप बहुत एजुकेटेड हो सकता है आपकी अपब्रिंगिंग सही है लेकिन आपकी जो मेंटालिटी गंदी है ना उसके ना आपके एजुकेशन कुछ कर सकता है ना आपकी अपब्रिंगिंग कुछ कर सकता है आपकी सोच गंदी है उसके मैं कुछ कर पाऊंगी ना आप कुछ कर पाओगे बट इफ समवन इज सेइंग स्टूपिड थिंग्स टू मी और आई विल गिव इट बैक टू देम बहुत लोग बोलते हैं कि लोग सिर्फ ये चीज़ बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे टू गेट अटेंशन आई विल गिव यू अटेंशन एंड आई विल मेक श्योर यू सफर मैं आपके वो जो चीज रेसिज्म इज समथिंग दैट यू शुड नॉट डू इट तो कोई अगर सिर्फ एक आई एम टेलिंग यू देयर इज अ गर्ल ऑन माय इंस्टाग्राम ओ माय गॉड दैट गर्ल इज उतने इविल शी इज प्योर इविल और मैंने उसके नाम पे बकायदा आई हैव फाइल्ड अ एफआईआर अगेंस्ट हर यस बिकॉज आई एम डन यू कॉल मी मतलब आप मुझे नीचा नहीं दिखा सकते मेरे स्किन कलर क्योंकि मैं इस कलर के साथ पैदा हुई हूँ एंड यू कैन नॉट इंसल्ट मी ऑन द बेसिस ऑफ माई कलर आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हु आई एम आई विल एक्सट्रीमली बी प्राउड ऑफ वट आई डू हाउ आई डू आप मुझे उस चीज मेरी मेंटेलिटी आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन बार बार मुझे पोक करोगे ना तो एक टाइम के बाद मैं भी भड़क जाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है ये सारी चीजें एंड इट्स सो स्टूपिड टू डू इट अब घिनौनी सोच है छोटे लोग हैं सो डू यू फील यू नो ये जो फैंडम के नाम से लोग आते हैं सोशल मीडिया पर इनकी ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा यू नो मायने रखती है प्रॉब्लम इनकी ट्रोलिंग मायने नहीं रखती है फैंस जो होते हैं ना जो जेन्युइन फैंस होते हैं ना वो चाहे आप मेरे पास सालों पुराने फैंस हैं जो पता नहीं कितने साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं एंड आई जेन्युइनली अडोर देम आई स्पीक टू ऑल माय फ्रेंड्स मतलब कभी भी किसी का कमेंट अच्छा लगता है मैं जाकर उसमें कमेंट करती हूँ पर उसी के बीच में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैंस नहीं है वो आर अनोनिमस उनका कोई वजूद नहीं है उनको बस अटेंशन चाहिए होता है एंड दे आर नॉट द फैंस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अटेंशन सीकर्स एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन फैंस ट्रूली जेन्युइन जो फैन होते हैं ना वो आपके पास हमेशा रहेंगे पर ये जो अटेंशन सीकिंग वाले होते हैं ना जो आते हैं हाँ हाँ हम तो अच्छे लगते हैं अरे प्लीज आप मेरे इस पे ये कर दो ना अच्छा नहीं करोगे तो एक काम करता हूँ मैं तुम्हें ट्रोल करना शुरू करता हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता करो क्या कर लोगे क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा बट दिस इज द थिंग आई थिंक एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैन एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन अटेंशन सीकर्स अभी तो आप यू नो एकदम बेबाक होकर यू नो अभी कंप्लेन फाइल कर देती हो बट इनिशियली अगर मैं बात करूँ कितना ट्रोलिंग आप पे भारी पड़ता था और कितना डिप्रेसिंग होती थी ये चीज़ें दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू बिफोर बिग बॉस आई थिंक मैं उतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी मेरा जितना होता था उतना होता था आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव ऑन माई सोशल मीडिया तो आई थिंक लोग उतना और मेरा क्या होता था अगर कोई एक दो बोलता था तो मैं इसको रख के सुना देती थी तो फिर वो दोबारा वापस आता नहीं था बिग बॉस के बाद क्या हुआ है ना माई फेस इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ पीपल तो जो एक्सपोजर मिला है वो बहुत बड़ा है वो बहुत ज़्यादा है तो आई थिंक अभी लोगों को लगता है अच्छा ये बंदी ऐसे चलो चलो चलते हैं उनको समझ में नहीं आता होगा कि भाई मैं नहीं हूँ वैसे वाली बंदी तुम मुझे बोलोगे तो सुनोगे आई एम नॉट गोना टेक इट ऑल इन अगर मुझे तुम्हारी बात बुरी लगेगी तुम सुनोगे चाहे तुम कोई भी हो आई एम नॉट गोना टेक इट आई एम नॉट gonna butter you just because I'm supposed to do it. That's not gonna happen. Well, you know, agar industry ki main baat karu,
इंडस्ट्री में अभी बहुत ज़्यादा यू नो एक्टर वर्सेस प्रोड्यूसर्स ये सब चलने लग गया है कि हाउ यू नो अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, प्रोडक्शन आप कितना देखते हो बिफोर गिविंग ऑडिशंस? यार मैं क्योंकि अभी बहुत जितना देखती हूं, मैं अच्छा शोज यू नो स्टार्ट होता है उतना सडनली यू नो एकदम बंद हो जाता है। यार बंद तो पहली बार ये होता है क्योंकि ऑडियंस भी कम हो गया। मोस्टली पीपल आर लाइक जितने भी हमारे पास ऑडियंस है वो दे ऑल आर दे प्रेफर कि वो ऑनलाइन देखे। तो आई थिंक हमारा जो टीआरपी भी काम करता है आई थिंक वो टेलीविजन व्यूअरशिप से होता है, ऑनलाइन व्यूअरशिप से अभी तक नहीं हो पाए। तो आई थिंक वो भी एक जेन्युइन रीजन है कि अगर चैनल को कमाई नहीं आ रही है तो चैनल एक शो को चलाएगा क्यों? उनको भी तो पैसे आना चाहिए होंगे ना। तो आई थिंक वो एक रीजन होगा। एंड फॉर मी आई ऑलवेज सी द वर्ड प्रोडक्शन आई एम वर्किंग विद, फॉर मी आई एम द मोस्ट कंफर्टेबल प्रोडक्शन दैट आई हैव एवर वर्कड इज बालाजी। बालाजी इज वन प्रोडक्शन, मुझे वो कुछ भी किसी की चीज के लिए बुला लेते तो मैं चली जाती हूँ। मैं पूछती भी नहीं हूँ कि बजट क्या है, ये क्या है, बिकॉज आई नो वट एवर दे डू फॉर मी इज गुड। बट ऑल एट द सेम टाइम माई कार्तिक पूर्णिमा प्रोडक्शन हाउस वो हॉरिबल एंड टेरिबल। दैट प्रोड्यूसर इज इन जेल बाय द वे, ही मर्डर्ड समवन। यस, भूपिंदर सिंह, ही मर्डर्ड समवन। सो राइट नाउ एंड आई एम टेकिंग नेम्स बिकॉज आई डोंट केयर, ही इज इन जेल। तो उसकी जो वाइफ थी शी वॉज वर्किंग विद स्टार एंड चैनल में काम करती थी संजोत कौर, बट देन शी बिकेम अ प्रोड्यूसर एंड ऑब्वियसली एंड दे वर टेरिबल, दे वर टेरिबल ऑन सेट। Like they did not treat the actors well, they did not treat the directors well. Forget about us, even the technicians were really fed up with them. But I'm sure कि उसके बाद उन्होंने कोई show बनाया भी नहीं था। आधे से ज़्यादा लोगों को पैसे नहीं दिए थे, बहुत लोगों के तो इतने पैसे काटे उन्होंने। तो they were not a nice production house, तो वो लोग चले भी नहीं। Did you suffer that time? No, I got my money. आई इज लाइक तुम किसको बेचोगे, कहाँ क्या बेचोगे, गाड़ी बेचो, घर बेचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपना खून पसीना दिया है शो में। मैं 12 घंटे के एक तो हम एक्टर्स को 12 घंटा काम करना पड़ता है, बाकी आप कहीं पे भी चले जाओ सब 8 घंटे के काम करता है। हम ही ये 12 घंटे काम करते हैं और वो 12 घंटा कभी होता नहीं है, वो हमेशा 13-14 घंटा तो आराम से हो जाता है। मैंने जब अपना 100% तुम्हें दिया है, तुम मुझे मेरा पूरा पैसा दोगे। अगर तुम जेन्युइनली प्रॉब्लम में होते तो आई वुड हैव कंसीडर्ड इट। तुम्हें चैनल ने तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा दिया है, तुम अपना जेब भरोगे पर तुम पैसे किसी को नहीं दोगे, ये क्या बात हो गई यार। तो आई गॉट माई मनी, आई थिंक उन्होंने कुछ मेरा 10,000 रुपये काटे थे। किसी एक दिन मैं लेट पहुंची थी, एक दिन वो भी ट्रैफिक की वजह। मैं एवरी वन नोज मैं कभी लेट नहीं पहुंचती, I'm very punctual in my time. तो एक बार मैं किसी दिन लेट पहुंची थी, तो उसके आई थिंक 3 घंटा में कुछ लेट पहुंची थी, उसके चक्कर में उन्होंने मुझे मेरा 10,000 कटे थे। मैंने तो रख ले 10,000, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पूरे पैसे वापस कर। तो दे गेव माई, मुझे मेरा ऑलमोस्ट पूरा चेक मिल गया। बट उन्होंने बहुत सारे लोगों के पैसे काटे, उस मतलब टेक्नीशियंस। एंड उस टाइम पे कोविड भी चल रहा था यार, लोगों के पास ना काम था ना कुछ था, पैसे नहीं थे, और उस बीच पे ये लोगों ने ऐसे हरकतें की थी। So, that's the only production. Otherwise, I think my all production houses were very nice. Well, you know, lastly, जाते जाते ये जानना चाहेंगे, आप इतने vocal हो, इतने straightforward हो, कभी आपको आपके काम में दिक्कत आई है? यार लोगों को ना ऐसा लगता है कि see, I will not insult you. मैं कभी आपको लोगों के सामने insult नहीं करूँगी। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं बोल दूंगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो शायद मैं नहीं करूँगी या वट एवर, बट आई विल नॉट इंसल्ट यू इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल। दैट्स द वन थिंग आई हैव। बट हाँ, लोगों को कभी कभार सच सुनना अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है, कड़वा लगता है, कोई बात नहीं चलेगा। वेल, लास्टली जाते जाते ये बता दीजिए, नवरात्रि आ रही है, दुर्गा पूजा यू नो सेलिब्रेट किया जाता है कोलकाता में बहुत बड़े लेवल पे, हाउ मच यू मिस योर प्लेस, और यहाँ पर आप यू नो वैसा माहौल देख पाती हो या नहीं देख पाती? हाँ, यहाँ पे आई जनरली गो टू द जू वन, जो रानी मुखर्जी का पूजा है वो वहाँ पे जाती हूँ। वहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो मैं मिस करती हूँ, ऑथेंटिक कैलकटा वाला पूजा जो मिस करती हूँ, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। बट या और ये पहली बार है, इस साल मैंने कुछ खरीदा भी नहीं है। आई हैव नॉट इवन बाय वन सिंगल साड़ी फॉर माई सेल्फ। दिस इज द फर्स्ट ईयर। माई मदर इज़ नॉट वेल, तो मोस्टली घर पे वही चल रहा है। वी जस्ट ट्राइंग टू मेक हर कम्फर्टेबल, हैप्पी। और उनका अभी मैंने सोचा कि यार हर साल खरीदती हूँ, इस बार अगर नहीं खरीदूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो दिस इज द फर्स्ट ईयर आई एम नॉट वेरी मच लाइक एक होता ना पहले दुर्गा पूजा में तो मैं एक महीने पहले से मैं सब कुछ खरीदना शुरू कर देती हूँ कि दुर्गा पूजा आ रहा है मुझे ये करना है मुझे वैसा करना है. इस बार ऐसा कुछ है नहीं. थैंक यू सो मच एंड आई जेन्युइनली अडोर उन लोगों को जो इतने सालों से मेरे साथ है सपोर्ट करते हैं. एंड मुझे आप लोगों की मतलब बहुत सारे लोग कभी कभार मुझे बोलते हैं कि आप मैसेज के जवाब नहीं देते तो हो नहीं पाता है जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ. पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके मैसेजेस का रिप्लाई करूँ. अगर कुछ आप चीज़ पूछ रहे हो तो मैं उसका जवाब दे पाऊँ. एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट आई हैव यू ऑल विथ मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.